तो मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर के अंदर और आई एम इक्वली एक्साइटेड एज वेल क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं एक म्यूज़िक ऐप जो कि स्पॉटिफाई की तरह दिखेगी और यहाँ पर मेरे पास कुछ इनिशियल फाइल्स हैं एक तो मेरे पास बैकग्राउंड है जिसका मैं इस्तेमाल करना चाहूँगा और ये बैकग्राउंड यार मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगा और उसी के साथ साथ मेरे पास ये लोगो है फिर ये मेरे पास एक जी है इसका भी इस्तेमाल करेंगे हम लोग ये मुझे कहाँ से मिली ये मुझे इंटरनेट से मिली इंटरनेट पर बहुत सारी फ्री गिफ्ट अवेलेबल हैं वरना आप लोग मेरी वाली भी इस्तेमाल कर सकते हो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है फिर ये एम है ये देखो ये प्ले हो रही है ये एक गाना है मैंने नो कॉपीराइट सॉन्ग उठाया है आप अपने पसंद के गाने यहाँ पर डालना और उनको प्ले करना और अपने फेवरेट गानों का एक फ़ोल्डर बना के इस एप्लीकेशन की सहायता से गाने सुनना मज़ा आएगा संतुष्टि मिलेगी ऊपर से नीचे तक अब यहाँ पर आप लोग देखो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं कौन सा ये एक्सटेंशन यूज़ कर रहा हूँ या कौन सी ये विंडोज़ की ऐप यूज़ कर रहा हूँ जिसकी वजह से मुझे ये नई टैबें मिल रही हैं देखने को तो इसका नाम है क्यूटी टैब बार ठीक है ये भी मैंने आपको बता दिया क्यू टी टैब बार आप सर्च करना आप इंस्टॉल कर लेना आपका भी ऐसे टैब्स आने लग जाएंगी फाइल एक्सप्लोरर के अंदर आप जल्दी से चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में अगर आपके पास विजुअल स्टूडियो कोड नहीं है तो यार वी एस कोड इंस्टॉल लिखना यहां पर अरे क्लिक करना भूल गया मैं वी एस कोड इंस्टॉल आप लोग यहां पर लिखना यहां पर जाना वी एस कोड को डाउनलोड करना और वी एस कोड को डाउनलोड करने के बाद सिंपल सा काम आपको क्या करना है कि आपको इसको इंस्टॉल कर लेना ये बिल्कुल सिंपल सी चीज है यूजर इंस्टॉलर अगर आप सिक्सटी फोर बिट में या क्लिक करना थर्टी टू बिट में या क्लिक करना मुझे

फिर उसके बाद मैं बनाऊंगा एक स्क्रिप्ट डॉट जे एस किसी भी नाम से आप बना सकते हो स्टाइल डॉट सी एस एस ठीक है यहां पर हमारी जावा स्क्रिप्ट रहने, रहने वाली है यहां पर हमारी सी एस एस रहने वाली है यहां पर हमारी एस टीमल रहने वाली है विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर एम एड इन होता है तो आप लोग एक्सक्लेमेशन मार्क जैसे ही लगाएंगे तो आपको एक ड्रॉप डाउन मिलेगा उसके अंदर आपको ये सारा का सारा कोड देखने को मिल जाएगा अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट के अंदर मैं लिख जाऊंगा यहाँ पर स्पॉटिफाई योर फेवरेट ठीक है मैंने यहाँ पर एक टैग लाइन लिख दी मुझे पता है ये अजीब सी टैग लाइन है बट बढ़िया टैग लाइन है यार अजीब सी की बाद अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे जल्दी से बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे स्पॉटीफाई को ठीक है तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा सबसे पहले तो एक नेविगेशन बार तो रहेगा ही रहेगा मेरा ठीक है तो मैं यहाँ पर एक नैब लिख लूँगा इसके अंदर मैं एक यू एल डालूंगा इसके अंदर मैं एक एल आई डालूंगा लिस्ट आइटम डालूंगा ठीक है और लिस्ट आइटम के अंदर सबसे पहले मैं यहाँ पर एक होम डाल देता हूँ एक अबाउट डाल देता हूँ ठीक है बट एक बात और मैं आपको बताऊँगा अगर तो एक हमें यहाँ पर लोगो भी लगाना होगा स्टार्टिंग में अपने बार के स्टार्टिंग में एक लोगो भी लगाना होगा और उसको मुझे सी एस एस से टारगेट भी करना होगा तो मैं एल आई डॉट ब्रांड कर देता हूँ यहाँ पर ठीक है और इसके अंदर एक इमेज लगाऊंगा और वो इमेज होगी लोगो डॉट पी एन जी ठीक है लोगो डॉट पी एन जी होगी और यहाँ पर ऑल्ट इज इक्वल टू मैं Spotify लिख देता हूँ और इसके बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ ठीक है ये करने के बाद मैं ये जो ब्रांड के अंदर आई है इसको टारगेट कर पाऊंगा सी से और इसके बाद मैं भी देख लेता हूँ जल्दी से बाय द वे अगर आपने लाइव सर्वर इंस्टॉल नहीं करा है तो आप लोग यहाँ पर आकर लाइव सर्वर लिख दें एक्सटेंशन में आकर इसको इंस्टॉल कर लें अगर अभी तक आपने नहीं कराया तो और इसको इंस्टॉल करने के बाद आप जब राइट क्लिक करेंगे अपनी इंडेक्स रोड तो एस के अंदर तो ओपन विद लाइव सर्वर का ऑप्शन आएगा जो कि इसको लाइव सर्वर में खोल देगा बिल्कुल ही मेरी तरह हाँ मुझे पता है बहुत बेकार दिख रहा है हाँ मुझे मालूम है ये बिंदु भी हटाने हमें बहुत काम बाकी है तो आ जाओ यार करते हैं इन सारे के सारे कामों को ठीक है मैं यहाँ पर तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को देखने में परेशानी ना हो ठीक है तो थोड़ा सा जूम इन करके ही काम करूंगा अब यहाँ पर देखो हम लोग क्या करेंगे सी लिखेंगे सबसे पहले मुझे क्या करना है कि मैं यहाँ पर लिंक सी एस एस को जिस तरह से सी को ऐड करूंगा और करूँगा डिफॉल्ट ये स्टाइल डॉट सी एस एस को एड करता है इसलिए मैं हमेशा अपनी फाइल का नाम स्टाइल डॉट सी एस एस रखता हूँ जब सी की बात आती है बॉडी से पहले मैं यहाँ पर अपनी स्क्रिप्ट को जो है इंक्लूड करूंगा और स्क्रिप्ट एस आर सी पर लिखूंगा ठीक है स्क्रिप्ट एस आर सी इज इक्वल टू स्क्रिप्ट डॉट जी ठीक है और स्क्रिप्ट डॉट जी भी इंक्लूड हो जाएगी और जो भी जावा स्क्रिप्ट होगी वो मेरी यहाँ पर आएगी बट अभी तो यार डिज़ाइनिंग का काम है अभी तो सी का काम है अभी तो आया ही नहीं है जावा स्क्रिप्ट का काम तो सबसे पहले मुझे क्या करना है अपने नया बार को ठीक करना है बट उससे भी पहले मुझे क्या करना है अपने बॉडी में एक कलर दूंगा एक बैकग्राउंड कलर दूंगा बहुत ही हल्का सा बैकग्राउंड बता है ना हल्का सा एक काम करता हूँ एक ये वाला कलर देता हूँ मतलब बस मैं इस बॉडी के कलर को व्हाइट नहीं रखना चाहता मैं चाहता हूँ एक हल्के से कलर की टिंट हो ठीक है वो मैं दे देना चाहता हूँ यहाँ पर और मैंने वो दे दिया है ठीक है बाद में कुछ करना होगा बॉडी के साथ करेंगे बट अभी यहाँ पर मैं क्या करूँगा स्टार में एक तो एम ज़ीरो करूँगा मार्जिन जीरो करूंगा ठीक है एम ज़ीरो करने से ये मार्जिन जीरो हो जाएगी और पी जीरो करने से इस तरह से पैडिंग जीरो हो जाएगी ठीक तो है तो शॉर्टकट है ठीक है अगर आपको नहीं पता था तो अब आपको पता चल चुका है क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट यहाँ पर नहीं ऑप्शन दे रहा है मुझे क्योंकि मैंने फॉर्मेटर को इंस्टॉल नहीं किया कोई बात नहीं ठीक है चलेगा ठीक है आप प्रिटेयर वगैरह इंस्टॉल कर सकते हो अगर आपको फॉर्मेटिंग चाहिए अब मैं क्या करूँगा यहाँ नैव में आऊँगा ठीक है और मैं चाहता हूँ कि नैब बार के अंदर जो कुछ भी लिखा हो उस सब में एक फॉन्ट में डालूँ ठीक है तो मैं आऊँगा गूगल फॉर्म्स के अंदर और अच्छी सी फॉन्ट देखूंगा कोई ठीक है मुझे कोई अच्छी सी फॉन्ट अगर मिल जाती है तो अच्छी बात है वरना मैं सर्च कर लूँगा कोई भी ओवन टू फॉन्ट यूज़ कर लेते हैं ठीक कोई भी कर सकते हो यार आपको टेंशन ही नहीं है यार ठीक है तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा इसको ऐड करूँगा सेलेक्ट द स्टाइल करूँगा ठीक है इनफैक्ट मैं ये थोड़ा सा जो बड़ा वेट है रेगुलर फोर है ये ये लाइट थ्री हंड्रेड एटैलिक है रेगुलर फोर हंड्रेड यूज़ करता हूँ या ये लाइट थ्री हंड्रेड है ठीक है रेगुलर फोर हंड्रेड यूज़ कर लेता हूँ ठीक है एक मैंने ये ऐड कर लिया स्टाइल ठीक है अब देखो एक बात बताता दो यहाँ पर आपको मैं होता क्या है ना कि जब आप इस तरह की चीज़ इस्तेमाल करते हो मैं मैं इम्पोर्ट करूँगा इम्पोर्ट यूज़ करूंगा मैं आ, कोई भी सेंटेक्स आप यूज़ कर सकते हो मैं ये कह रहा था कि जब भी आप इस तरह की कोई चीज़ इस्तेमाल करते हो तो होता क्या है कि गूगल फोन से शायद आप पाँच छः फोन लेकर आओ ठीक है तो आपको क्या करना है एक साथ ऐड करनी है ताकि एक रिक्वेस्ट के अंदर आ जाएँ सारी फ़ोनस आपकी तो एक ही रिक्वेस्ट के अंदर सारी फ़ोनस आपकी आ जाएंगी ठीक है तो वो काम आप करने की कोशिश करेंगे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये वाला स्टाइल भी कॉपी कर लेता तो देखो एक ही यू आर एल मुझे यहाँ पर जनरेट होकर मिल जाएगा तो थोड़ा सा क्लीन भी रहता है और बढ़िया भी रहता है ठीक है इन दोनों स्टाइल्स को रिमूव करूंगा एक और फॉन्ट लेकर आना चाहता हूँ एक और फॉन्ट और उस फॉन्ट का नाम है वेरेला राउंड ठीक है कोई भी यूज़ कर लेना मैं फिर से कह रहा हूँ आप कोई भी यूज़ कर लेना अभी आई तो थी यार वेरेला मैंने लिखा था, था तो वी ए आर ई एल ए अभी आई थी जस्ट अभी आई थी मैंने यहाँ पर देखा था कि आई थी जब यहाँ पर मैंने लिखा था राउंड तो यार पता है क्या हुआ था अभी मेरा इंटरनेट चला गया था जिसकी वजह से ये डाउनलोड नहीं हो रहा था वेलेला राउंड ठीक है अब मैं डाउनलोड करूंगा इसको वेलेला राउंड को मैंने अपना फ़ोन यूज़ किया है क्या होता है ना कि जहां पर मैं रहता हूँ वहां पर इंटरनेट पता नहीं किया इतना ज़्यादा अनस्टेबल है मैं आपको बता नहीं सकता और लोगों को फ़र्क भी नहीं पड़ता कोई कम्प्लेन भी नहीं करता है वेलेला राउंड तो क्या होता है कि इंटरनेट जाता आता रहता है तो लेकिन हमारे पास जो है फ़ोन है जियो से मैं लगा लेता हूँ कोई टेंशन ही नहीं होती यार Uh, अब यहाँ पर देखो मैंने क्या किया है मैंने यहाँ पर सबसे पहले तो मार्जिन जीरो पैडिंग जीरो कर दिया सारे के सारे एलिमेंट्स की ठीक है अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा फॉन्ट फैमिली को ओबन टू सेंसरिफ ठीक है तो मैं यहाँ पर फॉन्ट फैमिली को यूज़ करूँगा ओबन uh, टू और इसके पास सेंसरिफ बाय द एक गलती मैंने पता है क्या करी गलती नहीं कहूँगा मुझे तो याद है बट आप लोग ना जब भी इस तरह से फॉन्ट वगैरह यूज़ कर रहे हो तो ये फॉन्ट फैमिली को ना कॉपी करके रख लिया करो मैं क्या करता हूँ मैं अपने पर्सनल बताता हूँ आपको मैं क्या करता हूँ मैं एक ना एक नया नया यहाँ पर डॉक्यूमेंट बना लेता हूँ कंट्रोल एन करके कंट्रोल लन करके एक नया डॉक्यूमेंट बनाने से क्या होता है कि जो भी मुझे शायद फ्यूचर में कॉपी करना पड़ जाए वो मैं यहाँ पर रखता हूँ मैं सेव नहीं करता हूँ उस फाइल को ऐसे खुला रहने देता हूँ तो अगर मैं विजुअल स्टूडियो कोड को बंद भी करके खोलता हूँ तो ये फाइल मुझे मिल जाएगी ठीक है तो उसके बाद जब मेरा प्रोजेक्ट बन जाता है मुझे लगता है कि मुझे अब इस फाइल की ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको बंद कर देता हूँ तो इस तरह की चीज़ें मैं यहाँ पर डाल देता हूँ डॉक्यूमेंट में और अपना जो अ, मेरा सोर्स कोड है कोड बेस है उसको मैं क्लीन रखता हूँ सेव करता हूँ और देखता हूँ कि यार वेबसाइट की क्या हाल है कुछ कुछ खास हाल नहीं है बस ये वन टू हो गया ठीक है तो इसके हालों को ठीक करते हैं अभी यहाँ पर ठीक है तो मैं क्या करूँगा जो यू है मेरा यानी कि ये जो मेरा यू है इसके इसको मैं एक फ्लैक्स बॉक्स बना दूंगा ठीक है तो मैं एक काम करता हूँ मैं कहूँगा कि यार देखो नैव के अंदर जो यू है उसकी डिस्प्ले को कर दें आप फ्लैक्स ठीक है डिस्प्ले को फ्लैक्स कर दें और डिस्प्ले फ्लैक्स करने से हॉरिजोंटली आ जाएंगे सारे आइटम्स मेरे इमेज होम अबाउट ठीक है बट हॉरिजोंटली आइटम्स को लाने से काम चलेगा नहीं ठीक है क्योंकि मुझे यहाँ पर एक काम और करना पड़ेगा और वो ये है कि मुझे जो यूएल है इसका जो लिस्ट स्टाइल टाइप है उसको मुझे नन करना पड़ेगा ठीक है मैं नहीं चाहता बिंदु बिंदु दिखे ठीक है फिर इसके बाद मुझे इस नैब बार के यू की हाइट को चेंज करना पड़ेगा या पर नैब बार की हाइट को कर देता हूँ चेंज या इसकी हाइट को भी कर सकता हूँ चेंज में मैं एटी नाइन पिक्सल करता हूँ लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि इसकी हाइट चेंज हुई है बैकग्राउंड कलर ऑब्वियसली मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर को ब्लैक करूंगा और आप लोग देखो यहाँ पर यहाँ आया मैंने बिल्कुल सही बना दिया देखो एक ही बार में शायद मैं इसको थोड़ा छोटा करूँ शायद मैं इसको थोड़ा छोटा करूँ क्या करूँ एटी नाइन पिक्सल से मैं इसको सिक्सटी फाइव पिक्सल कर देता हूँ थोड़ा छोटा करना चाहूँगा हाँ अब सही है अब बढ़िया है और हाँ इमेज को भी छोटा करूँगा इमेज बहुत बड़ी है मुझे मालूम है तो इमेज को बड़ा करने के लिए मैं क्या करूँगा ब्रांड क्लास का यूज़ करूँगा और ब्रांड के अंदर की आई को डार्गेट करूँगा तो डॉट ब्रांड और आई यानी कि जो मेरी ब्रांड क्लास है उसके अंदर की जो इमेज है उसके अंदर मैं क्या करना चाहता हूँ ये चीज़ जो है यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा ठीक है तो मैं वेट को कर देता हूँ इसकी ट्वेल्व पिक्सल बहुत छोटी है मुझे पता है मुझे बढ़ानी पड़ेगी बट मैं बताता हूँ मैं क्या करता हूँ छोटी सी छोटी रख के इसको यार मुझे ना ये चीज़ नीचे चाहिए होती है पता नहीं क्यों मुझे यहाँ अच्छी लगती है ये चीज़ ठीक है और यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि जो मेरा ये इमेज है मैं इसकी वेट को बढ़ाऊंगा और देखूंगा कहाँ मैं संतुष्ट हो रहा हूँ यहाँ मुझे संतुष्टि मिल रही है यहाँ मिल रही है संतुष्टि मुझे फोर्टी पिक्सल पर फोर्टी पिक्सल फ़ोर्टी फोर पिक्सल पर मुझे संतुष्टि मिल रही है ठीक है तो मैं फोर्टी फोर पिक्सल कर दूंगा इसको तो मैं इसको फोर्टी फोर पिक्सल करूंगा फोर्टी फोर पिक्सल पर मुझे संतुष्टि मिल रही है क्योंकि ठीक है ये डिलोड हुआ यहाँ पर ये यहां आ गया ठीक है इसके बाद मैं क्या करूँगा आप देखो इसके बाद यहाँ पर मैं चाहता हूँ इसके जस्ट राइट साइड पर एक टेक्स्ट हो जिस जिसपे लिखा हो स्पॉटिफाई ठीक है तो मैं क्या करूँगा कि स्पॉटीफाई लिख दूंगा एक स्पैन के अंदर डालकर ठीक है तो मैं एक स्पैन के अंदर डालकर या ऐसे ही यहाँ पर एक स्पॉटिफाई लिख दूंगा ठीक है और इसका फॉन्ट क्या होगा मैंने नैब के अंदर का जो फॉन्ट फैमिली है वो क्या रखी है वन टू रखी है तो वन टू होगी ठीक है देखते हैं कैसा लग रहा है आ, बिल्कुल बेकार क्यों लग रहा है बिल्कुल बेकार उसकी वजह बताता हूँ मुझे कलर को वाइट करना होगा तभी तो दिखेगा ब्लैक में ब्लैक कैसे दिखेगा यार तो ये देखो यहाँ पर स्पॉटीफाई आ गया यहाँ पर होम आ गया यहाँ पर अबाउट आ गया थोड़ा ऊपर नीचे वाला गेम खेल रहे हैं तो इन्हें भी मुझे ठीक करना पड़ेगा ठीक है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा लाइन आइटम सेंटर करूँगा सबसे पहले इस वाले फ्लैक्स बॉक्स का तो मैं डिस्प्ले फ्लैक्स के नीचे ही रखूँगा लाइन आइटम सेंटर ठीक है अभी एकदम हाल कैसा है जनाब का बिल्कुल सही है यहाँ पर देखो अभी ये किस हिसाब से सेंटर हुआ ये देखो आप लोग ये आई है मेरा देखो ये तो मेरा सेंटर हो गया आई एम कोई टेंशन नहीं है स्पॉटिफाई नहीं हुआ कोई बात नहीं इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखो ये होम आ गया सेंटर पे अबाउट आ गया सेंटर पे मैं चाहता हूँ स्पॉटिफाई भी सेंटर पर आए इसको सेंटर पर लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा इसको सेंटर पर लाने के लिए मैं या तो इसकी हाइट को जो है पूरा बढ़ा कर दूँ या फिर और मैं क्या कर सकता हूँ मैंने नैबर ने के यूएल की हाइट को बढ़ा दिया है डॉट uh, ब्रांड जो है मैं उसके साथ कुछ कर सकता हूँ मैं इसको भी एक फ्लैक्स बॉक्स बना सकता हूँ हाँ मैं एक काम कर सकता हूँ मैं डॉट ब्रांड को भी एक फ़्लैक्स बॉक्स बना सकता हूँ ठीक है तो फ्लैक्स बॉक्स का आप आ, 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 आराम से यूज़ कर सकते हो ठीक है तो मैं यही करूँगा देखो मैं बहुत चीज़ें कर सकता था मैं बट यहाँ पर इसको एक फ्लैक्स बॉक्स बनाऊँगा और बहुत सारे लोग मुझसे ये भी कहेंगे कि टेलविंड यूज़ कर लो देखो ये प्योर स्टीमल सी एस एस जावा स्ट्रिफ्ट का प्रोजेक्ट है ठीक है डिस्प्ले फ़्लैक्स ये क्या हो रहा है टैब डिस्प्ले फ्लैक्स ठीक है अलाइन आइटम सेंटर ठीक है अब देखते हैं यहाँ पर ये क्या हुआ हाँ अब आ गया है यहाँ पर ठीक है ये स्पॉटिफाई आ गया कुछ इस तरह से और ये होम अबाउट आ गया अब मुझे क्या करना है अब मुझे राइट लेफ्ट में थोड़ा सा सबसे पहले तो इसका फॉन्ट वेट में बोल्ड करूंगा ठीक है तो मैं यहाँ पर लिखूँगा फॉन्ट वेट बोल्डर ठीक है फ्रंट वेट बोल्डर लिखने के बाद मैं क्या करूंगा कि जो इसका फॉन्ट साइज़ है इसको मैं 1.3 पॉइंट रैम करूंगा थोड़ा सा बड़ा करूंगा नॉर्मल से थोड़ा सा बड़ा ठीक है तो थोड़ा सा बड़ा करने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ेगा ये यह स्पॉटीफाई यहाँ पर आ गया और हाँ मुझे पता है कि मुझे इसके साथ थोड़ी सी दूरियाँ भी बनानी है ठीक है तो दूरी बनाने के लिए मैं क्या करूँगा कि जो एल है उसको एक पैडिंग दे दूंगा लेफ्ट राइट right से दस बारह पिक्सल की ठीक है तो एल आई पर है हमारा ये है हमारा एल ठीक है नैब यू एल एल आई तो मैं लिखूंगा नैब यू एल एल आई और नैब यू एल एल आई के अंदर मैं क्या करूंगा पैडिंग दूंगा कितने की पैडिंग दूंगा ऊपर नीचे से जीरो की दूंगा और यहाँ से बारह पिक्सल की दूंगा एंड दिस दिस लुक्स क्लीन अभी देखो ये कितना क्लीन दिख रहा है ठीक है यहाँ पर एक स्पेस मुझे चाहिए थोड़ी सी तो मेरा ये वाला जो इमेज है जो मेरा लोगो है जो मेरा ब्रांड है इस ब्रांड को मैं क्या करूँगा हल्की सी एकदम हल्की सी क्या दूंगा इस ब्रांड को देखो विट तो मैंने दे दी मैं एक हल्की सी पैडिंग दूंगा कहाँ पर दूंगा टॉप बॉटम में नहीं दूंगा एट पिक्सल की लेफ्ट राइट में दूंगा अगर मुझे उसको बढ़ाने की जरूरत पड़ जाए मैं बढ़ा भी लूंगा हाँ देखो अभी हमारा जो लेआउट है वो कुछ इस तरह से दिख रहा है मुझे बताओ कैसा लग रहा है इस पॉइंट पर आप लोग कमेंट करो मुझे बताओ कैसा लग रहा है क्लीन लग रहा है कि नहीं लग रहा है मजेदार बना दिया कि नहीं बना दिया जरूर बताएं मुझे नीचे कमेंट में ठीक है चलो जी ये तो बढ़िया हो गया ठीक है अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ पर अभी हमारे पास बहुत सारा काम करने को बाकी है तो वो भी करेंगे तो यहाँ पर मैं क्या चाहता हूँ कि एक तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ एक बॉक्स हो ठीक है एक बॉक्स हो यहाँ पर मैं जस्ट अभी इमेजिन कर रहा हूँ इनफैक्ट मैंने पेपर पर पे बना भी रखा है अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो मैंने पेपर पर पे बना भी रखा है और इस पेपर पर पे मैंने पूरा लेआउट आउट ड्रॉ किया ठीक है ऑब्वियसली मैं कहीं ना कहीं से इंस्पायर्ड था कुछ स्ट्रीमिंग सर्विसेज से इंस्पायर्ड था बट यहाँ पर मैं अपना बनाना चाहता हूँ और कुछ ऐसा बनाना चाहता हूँ जो अच्छा लगे किसी भी स्ट्रीमिंग सर्विस पर आप अगर जाओ तो आपको पता चलेगा कि आप जब भी देखोगे तो नीचे चलता है प्लेयर प्लेयर हमेशा नीचे चलता है नीचे आप लोगों को देखने को मिलता है कुछ इस तरह की चीज़ कि एक प्ले बटन एक नेविगेशन बटन आपको देखने को मिलता है जो कि प्रीवियस या नेक्स्ट सॉन्ग पर आपको लेकर जाता है तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं तो वो यहाँ पर बनाएंगे तो एक काम करते हैं सबसे पहले वो जो बॉटम वाला बार होता है ना उसको डिज़ाइन करते हैं उसको डिज़ाइन करना सबसे ईजी रहेगा अभी ठीक है तो मैं सारी की सारी जो हमारी एच है जो हमारी रॉ एच होने वाली है वो मैं लिख लेता हूँ तो मैं सबसे पहले तो एक कंटेनर बनाऊँगा अपनी एच में यानी कि नायाब बार तो हो गया मेरा इसके बाद मैं कहूँगा कि यार जो मेन कंटेंट है यहाँ पर गाने मुझे दिखाए जाएंगे वो एक कंटेनर के अंदर होंगे डिव मुझे बहुत सारे लोग कन्फ्यूज होंगे यहाँ पर यह कंटेनर अपनी सी एस एस लिखूंगा इस कंटेनर के लिए कि के अंदर क्या, होगा, क्या नहीं होगा ठीक है और उसी के साथ साथ यहाँ पर मैं क्या करूंगा एक हेडिंग दूंगा और इस हेडिंग के अंदर मैं लिखूंगा कोई भी हेडिंग में लिख सकता हूँ ठीक है बेस्ट ऑफ एन सी एस नो कॉपी राइट ठीक है मान लो ये एल्बम का नाम है ठीक है यहाँ पर एल्बम का नाम आ जाएगा और यहाँ पर मैं क्या करूँगा दो डिव बनाऊंगा एक तो मैं डिव बनाना चाहता हूँ जहाँ पर मैं सॉन्ग लिस्ट को डिस्प्ले कराऊंगा ठीक है और एक और मैं यहाँ पर बनाना चाहता हूँ अपना डिव जिसके अंदर मैं एक कवर डालूंगा यानी कि एक फोटो डालूंगा और वो फोटो यहाँ पर आप देखो बी जी डॉट जे पी जी तो ये मैं इमेज यूज करना चाहता हूँ ठीक है तो मैं ये इमेज यहाँ पर यूज करना चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरी सॉन्ग लिस्ट आ जाए ठीक है तो ये मैं चाहता हूँ और यहाँ पर मुझे कुछ करने की ज़रूरत पड़ गई अगर तो वो भी मैं कर लूँगा इन फ्यूचर ठीक है इसलिए मैं यहाँ पर दो लेफ़्ट और राइट right बना रहा हूँ एक लेफ्ट साइड पे मैं बनाऊँगा यहाँ पर सारी सॉन्ग की लिस्ट रहेगी मेरी और यहाँ पर मेरे कुछ भी अगर मैं डालना चाहता हूँ इन फ्यूचर वो डाल सकता हूँ इसीलिए मैं यहाँ पर एक और डिव बनाऊँगा तो मैं यहाँ पर आता हूँ जल्दी से दो डिव बनाऊँगा एक डिव को मैं क्लास देने वाला हूँ सॉन्ग लिस्ट ठीक है सॉन्ग लिस्ट देने वाला हूँ क्लास इसको मैं और एक डिव को मैं क्लास देने वाला हूँ मतलब ये एक राइट right साइड पर रहेगी चीज़ और मैं इसको बैनर कर देता हूँ भी सॉन्ग बैनर यानी कि बैनर जहाँ पर लगा हुआ है और ये दोनों ही डिव्स कंटेनर क्लास के अंदर है अब आने वाली ये मेन चीज़ जो है डिव डॉट बॉटम डिव डॉट बॉटम का मतलब जो नीचे आपकी एक पट्टी आदि है ना नीचे जिसमें लिखा होता है आ, कौन सा सॉन्ग बज रहा है आ, प्ले आप कर सकते हैं उस सॉन्ग को आप उस सॉन्ग को लेफ़्ट राइट वाला नेविगेशन आप प्रीवियस नेक्स्ट कर सकते हैं ये सारे के सारे काम आप लोग कर सकते हैं ठीक है तो मैं क्या करूँगा मैं यहाँ पर इनपुट क्लास इज़ इक्वल टू कुछ क्लास दे दूंगा और टाइप इज इक्वल टू रेंज दे दूंगा तो मैं इनपुट रेंज यूज़ करूंगा ठीक है इसको नेम दे देता हूँ रेंज इसको एक आईडी भी दे देता हूँ आईडी क्यों देता हूँ क्योंकि मुझे प्रोग्रेस बार इसको ही बनाना है तो मैं यहाँ पर इसको माय प्रोग्रेस बार के नाम से आईडी दे दूंगा ठीक है फिर मैं इसमें मिन और मैक्स दे सकता हूँ तो मैं मिन इज इक्वल टू जीरो दे दूंगा और मैक्स इज इक्वल टू हंड्रेड दे दूंगा और मैक्स इज इक्वल टू मैं इसको हंड्रेड दे देता हूँ और हंड्रेड देने के बाद मैक्स इज इक्वल टू हंड्रेड मैंने इसको दे दिया और ये करने के बाद मैं क्या करूँगा कि इसको सेव कर लूँगा ठीक है तो यहाँ पर एक क्लास इज इक्वल टू बॉटम बन जाएगी और मुझे पता है कि ये बॉटम जो है वो यहीं पर आ गई देखो ये यह यहीं पर आ गई मैं चाहता हूँ यहाँ नीचे आई है ठीक है तो मुझे इसकी पोजिशन के साथ खिलवाड़ करना पड़ेगा ठीक है अब देखो इसके अंदर और क्या क्या, -क्या चीज़ें होंगी सबसे पहली चीज़ तो आइकन्स आएंगे ठीक है देखो मैं सी एस एस से इनको इधर उधर तो कर ही लूँगा ये तो मुझे पता है मैं मेडिव क्लास इज इक्वल टू आइकनस बना के यहाँ पर फॉन्ट ऑसम awesome के आइकन्स तो डाल ही दूंगा तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉन्ट ऑसम आइकन्स अगर आपको नहीं पता कि फॉन्ट ऑसम आइकन्स क्या हैं तो चिंता करने की तो कोई ज़रूरत कभी थी नहीं अभी नहीं है इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ यहाँ पर मैं डालूंगा फोन ऑसम आइकनस मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कैसे आप लोग फोन ऑसम awesome को इस्तेमाल कर सकते हो हम फोन टसम awesome की वेबसाइट पर जाएंगे वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि फ़ोन ऑसम awesome के आइकन्स को किस तरह से यूज़ किया जा सकता है ये सारी की सारी चीज़ें आप लोग देखोगे तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि फोन टसम awesome के आइकन्स को डालेंगे बट उससे भी पहले मैं और चीज़ें डालना चाहता हूँ मैं करूँगा क्या कि इसको इसकी स्टाइलिंग करूंगा मैं इसकी स्टाइलिंग करना चाहूँगा अब और मैं बॉटम पे जो मेरी पट्टी रहेगी उसको मैं ब्लैक देखना चाहता हूँ मैं अब चाहता हूँ एक ब्लैक कलर की पट्टी हो जिसके सेंटर पर प्ले प्रीवियस नेक्स्ट और ये सारे के सारे बटन हो यहाँ पर सॉन्ग का नाम हो मे भी ठीक है तो यहाँ पर सॉन्ग का नाम रहेगा जो बज रहा है इस चीज़ को मैं नीचे लाना चाहता हूँ ये चीज़ को नीचे एकदम लाना चाहता हूँ तो इस चीज़ को नीचे लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा जो मेरी बॉटम क्लास है उसको मुझे स्टाइल करना पड़ेगा ठीक है तो बॉटम क्लास को स्टाइल करने के लिए हम चलेंगे स्टाइल डॉट सी के अंदर और अभी जो सी में जो है यहाँ पर हमारी सारी की सारी क्लास जो है स्ट्रक्चर्ड है एकदम हिसाब से मैंने लिखी हुई है क्या चीज़ का बैकग्राउंड कलर क्या है एकदम हमारा जो सी है वो बहुत क्लीन दिख रही है ठीक है तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा जो हमारी बॉटम क्लास है उसको सबसे पहले एक हाइट दूंगा ठीक है बट हाइट भी देने से पहले मुझे इसकी पोजिशन को स्टिकी करना चाहता हूँ मैं इसकी पोजिशन को स्टिकी करना चाहता हूँ स्टिकी ठीक है और इसको मैं एक हाइट दूंगा हाइट क्यों दूंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो हमारी नीचे पट्टी हो थोड़ी सी मोटी हो ठीक है तो हंड्रेड पिक्सल से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद देखेंगे अगर बढ़ानी छोटी करनी पड़ गई तो वो हम देख लेंगे ठीक है अब बैकग्राउंड कलर मैं इसको दूंगा ब्लैक ठीक है देखते हैं क्या हुआ देखते हैं क्या हुआ हाँ बिल्कुल सही शायद ये पट्टी मैं थोड़ी सी बड़ी करूँ मे बी मैं थोड़ी सी बड़ी करूँ शायद मैं एक सौ तीस करूँ पट्टी को ठीक है मैं इसको एक सौ तीस करता हूँ एक सौ तीस क्योंकि यार देखो हमें गाना भी डालना है इसमें प्ले पॉज भी डालना है मैं इसको फिर बड़ा छोटा तो कर ही सकता हूँ और ये चीज़ जो है हमारी इसको भी मैं पूरी वेट इसकी पूरी बड़ी करूँगा तो ये भी मैं ठीक करूँगा अभी बट अभी मुझे इसको नीचे लेकर जाना है तो मैं क्या करूँगा इसको बॉटम जीरो बोल लूँगा कहूँगा बॉटम जीरो ठीक है क्योंकि पोजीशन स्टिकी है ठीक है इसको मैंने पोजीशन कर रखा है बॉटम जीरो करने से काम नहीं हुआ क्योंकि पता है क्यों नहीं हुआ बॉटम जीरो करने से काम क्योंकि ये जो हमारा कंटेनर है इसकी जो मिन हाइट है वो मुझे सेट करनी पड़ेगी तो मैं जो हमारा कंटेनर है उसकी मिन हाइट सेट करूंगा ठीक है कंटेनर की मिन हाइट इफ आई एम नॉट रॉन्ग यही यही प्रॉब्लम है आ, मैं देखता हूँ इसकी मिन हाइट सेट करने से हंड्रेड बी तो नहीं करूँगा एटी बी भी नहीं करूँगा एटी बी करता हूँ सेवेंटी फाइव बी करता हूँ ठीक है और फिर मैं उसका छोटा बड़ा कर सकता हूँ सेवेंटी फाइव बी मतलब सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ हाइट मैंने हंड्रेड क्यों नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर ये है यहाँ पर नीचे आप देखो थोड़ा सा और मुझे इसको बड़ा कर देना चाहिए ठीक है सेवेंटी फाइव बी एच खैर अभी इसके अंदर मैं और भी चीज़ें डालूंगा अभी के लिए मैं इसको ऐसे रहने देता हूँ इसको मैं हमेशा मूव कर सकता हूँ नीचे की तरफ तो यहाँ पर बेस्ट ऑफ एन सी एस लिखकर आ गया नो कॉपी राइट साउंडस लिखकर आ गया और ये एक प्रोग्रेस बार आ गया ऑब्वियसली इस प्रोग्रेस बार की वृथ्थ को मैं बढ़ाना चाहूँगा तो इस प्रोग्रेस बार की वृथ्थ को बढ़ाने के लिए मैं क्या करूँगा कि जो ये माई प्रोग्रेस बार है हमारा इसको टारगेट करूँगा और इसकी वृथ को हंड्रेड बी डब्ल्यू कर दूँगा ठीक है तो इसकी विट को भी मैं बढ़ा सकता हूँ तो ये काम मैं कैसे कर सकता हूँ मुझे बेसिकली क्या करना है कि ये जो मेरा इनपुट है जिसके अंदर मैंने आई को माई प्रोग्रेस बार दे रखा है मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा माई प्रोग्रेस बार है सबसे पहले तो इसकी विट को मैं एट्टी वी डब्ल्यू करना चाहता हूँ और फिर मैं चाहता हूँ कि ये सेंटर हो जाए तो मैं इसको टैक्स लाइन सेंटर कर दूंगा ठीक है टैक्स लाइन सेंटर मैंने कर दिया कुछ नहीं हुआ टैक्स लाइन सेंटर करने से ठीक है राइट क्लिक करके मैं इंस्पेक्ट करूँगा इसको और ये जो मेरा आ, इसकी जो विथ है अगर ऐसा होता कुछ कि ये एक पूरा कंटेनर होता ठीक है और आ, इसके अंदर के कंटेंट को मैं सेंटर करना चाहता तब टेक्सालाइन सेंटर इसमें काम करता लेकिन अभी इसमें टेक्सालाइन सेंटर काम नहीं करेगा ठीक है तो ये चीज़ यहाँ पर हमें समझनी होगी तो कैसे मैं इस चीज़ को ठीक कर सकता हूँ कैसे मैं यहाँ पर आ, जो भी इसके अंदर का कंटेंट कंटेंट है उसको अगर मैं सेंटर करना चाहता हूँ तो वो मैं कैसे करूंगा वो मैं करूंगा बॉटम को एक या तो फ्लैक्स बॉक्स बनाकर या फिर मैं किसी और तरीके से भी कर सकता तो मेरा बॉटम का है बॉटम को एक फ्लैक्स बॉक्स बना लेता हूँ आई होप कि आप लोग समझ गए कि लाइन सेंटर काम क्यों नहीं करेगा इसके अंदर ठीक है क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये पूरा एक कंटेनर है जिसके अंदर कुछ आइटम्स है और मैं उनको सेंटर करना चाहता हूँ नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है डिस्प्ले फ्लैक्स करूंगा जस्टिफाई कंटेंट को सेंटर करूंगा अलाइन आइटम्स को सेंटर करूंगा ऊपी क्या हुआ अलाइन आइटम्स को सेंटर करूंगा और ये करने के बाद जो है मेरे हिसाब से काम हो जाना चाहिए हमारा तो देखता हूँ मैं देखो सेंटर पे आ गया हमारा सीख बार ठीक है अब क्या करेंगे कि अब मैं चाहता हूँ कि फॉन्ट ऑसम में यूज़ करूँ ठीक है फॉन्ट ऑसम में यूज़ करूँ मैं ये चाहता हूँ और फॉन्ट ऑसम के अंदर मैं क्या करना चाहूँगा कि कुछ आइकन्स लेकर आना चाहूँगा तो मैं यहाँ पर जाऊँगा फॉन्ट ऑसम के अंदर ठीक है फॉन्ट ऑसम साइज नहीं फॉन्ट ऑसम ठीक है अब फॉन्ट ऑसम के बारे में आप लोग को बताता हूँ ये एक आइकॉन्स की सर्विस है जो कि आपको आइकॉन्स प्रदान करती है ठीक है अगर मैं पर स्टार्ट फॉर फ्री पर क्लिक करूँ देखो मैंने लॉग इन कर रखा है अपने अकाउंट से ठीक है मैंने अपने अकाउंट से लॉग इन कर रखा है आप लोग अगर अपने अकाउंट से लॉग इन करना चाहते हो तो कर सकते हो देखो फ्री है यार ठीक है साइन अप करो अपने अपने अकाउंट से लॉग इन करो बहुत सारे लोग यार पता नहीं क्यों मेरा अकाउंट यूज़ करने लग जाते हैं यार मेरा अकाउंट यूज़ मत करो अपना अकाउंट यूज़ करो फ्री है यार आपका अपना आपकी अपनी किट आप लोग बनाओ तो यहाँ पर आप क्या करोगे मैं बताता हूँ देखो यहाँ पर मेरी एक किट बनी हुई है ठीक है मैं व्यू ऑल किट्स पर क्लिक करूंगा तो मेरी एक किट बनी हुई है आप यहाँ पर एक नई किट बना सकते हो इस किट को आप लोग खोलोगे तो ये आपको बताएगा कि कैसे इस किट को आप यूज़ कर सकते हो मेरा नेट एक्चुअली जा चुका है मेरा फ़ोन से चल रहा है नेट यहाँ पर आ, मैं कॉपी करूंगा और मेरे फोन के नेट को अंडर एस्टिमेट मत करना मेरा फ़ोन का नेट भी बड़ा ख़तरनाक है ठीक है तो यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर फोन डॉसम को इंक्लूड कर दिया है ठीक है तो फोन टॉसम यहाँ पर इंक्लूड हो चुकी है और अब मैं फोन डॉसम के आइकन को यूज़ कर सकता हूँ कैसे यूज़ करेंगे फोन टॉसम के आइकन्स को सर्च करके ठीक है और एक बात और बताऊंगा आप लोगों को मैं फोन टॉसम के आइकन्स आप लोगों को याद हो जाएंगे ठीक है जैसे कि अगर मैं यहाँ पर प्ले लिखूँ तो प्ले के मेरे पास बहुत सारे आइकन्स आ जाएंगे ठीक है मैं यहाँ पर फोन टॉसम के बहुत सारे आइकन्स को यूज़ करता रहता हूँ इनकी एस को भी डाउनलोड करता रहता हूँ तो होता क्या है कि आप लोग यहाँ पर प्ले का कोई सा भी आइकन यूज़ करोगे अगर करते रहोगे यूज़ फॉन्ट टॉसम को तो आपको याद हो जाएंगे बेसिकली मेरे कहने का ये मतलब है ठीक है तो मैंने यहाँ पर प्ले वाला जो प्ले सर्कल है उसको मैंने यूज़ किया है एक एक पर्सनल एडवाइस देता हूँ आप लोगों को अपने एक पर्सनल ओपिनियन देता हूँ तो क्या होता है ना कि फॉन्ट फोनटॉसम के अगर आप सिर्फ दो चार आइकनस यूज़ कर रहे हो अपनी पूरी वेबसाइट में बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हो या डायनामिकली आइकन्स यूज नहीं कर रहे हो तो यार एस पी जी डाउनलोड कर लो एस पी जी डाउनलोड कर लो और उसको यूज़ कर लो उसका रीजन ये है कि फोन टम कभी कभी स्लो हो जाती है क्या किसी और ने भी एक्सपीरियंस किया है मुझे जरूर बताना फोन टॉसम awesome यार पूरी वेबसाइट को स्लो कर देती है कभी कभी मैं मैं पहले फोन टॉसम awesome को यूज़ करता था और पूरी पूरी वेबसाइट स्लो हो जाती थी लोड होने में इतना टाइम लेती थी आइकन्स नहीं आते थे पता चलता था कि फ़ोन टॉसम एक्चुअली लोड होने में टाइम ले रहा है ठीक है तो वो सब चीज़ें आप लोग ध्यान रखना ठीक है तो मैंने ये प्ले सर्कल वाले आइकन को कॉपी कर लिया है ठीक है और इसको कॉपी करने के बाद मैं क्या करूँगा कि इसको कॉपी करने के बाद मैं लेकर आऊँगा यहाँ पर ठीक है और यहाँ जो फोन टॉसम आइकन्स मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर यूज़ करूँगा देखता हूँ कैसा लग रहा है ठीक है मुझे बता ये आइकन थोड़ा छोटा है और मुझे यहाँ पर ये आइकन नहीं दिख रहा है ठीक है कहाँ हो तुम वन टॉसम आइकन कहाँ गए तुम आ, शायद ये इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने कलर को वाइट नहीं किया मुझे कलर को वाइट करना पड़ेगा तो मैंने ज़रूर बैकग्राउंड को बॉटम के बैकग्राउंड को तो चेंज करा लेकिन कलर को मैं वाइट करना भूल गया जिसकी वजह से आइकनस नहीं दिख रहे कि ब्लैक में ब्लैक कैसे दिखेगा यार ये देखो ये यहाँ पर आ गया छोटू सा ठीक है तो इस छोटू से आइकन को मुझे बड़ू सा करना है ठीक है तो इस छोटू से आइकन को बड़ू सा मैं कैसे करूँगा इस छोटू से आइकन को बड़ा बड़ू सा करने के लिए मुझे यूज करना होगा एक क्लास का ठीक है और एफ ए थ्री एक्स एफ ए टू एक्स भी होता है एफ ए थ्री एक्स में यूज़ कर रहा हूँ अब मैं इनको रेप्लीकेट करूँगा और यहाँ पर सबसे पहले एक बैकवर्ड करके आइकन होता है वो यूज़ करूँगा फिर एक फॉरवर्ड करके आइकन है वो यूज़ करूँगा ठीक है और कंट्रोल सेट कंट्रोल एस ठीक है तो ये तीन आइकन्स मेरे पास आ जाएंगे और ऑब्वियसली ये सारे के सारे आइकन्स जो है ये इस साइड पर गिरे पड़े होंगे ठीक है तो एफ ए प्रीवियस वाला क्यों नहीं मिला मुझे एफ ए प्ले मैंने गड़बड़ कर दी बहुत बड़ी गड़बड़ गर, गड़बड़ कर दी पता है क्या गड़बड़ करी एक्चुअली ये सर्कल तो यहाँ पर आएगा यहाँ मुझे चेंज करना है यहाँ पर ये जो प्ले है ना इसको मुझे चेंज करना है अब आ जाएंगे आइकन तीनों मेरे एफ़ बैकवर्ड सर्कल मुझे याद नहीं है आइकन यार मुझे मान लेनी चाहिए बात कि मुझे याद नहीं है तो मैं यहाँ पर बैकवर्ड लिखूंगा बैकवर्ड और बैकवर्ड लिखने के बाद आइकन को सर्च करूंगा कभी कभी मुझे लगता है मुझे आइकन्स याद हैं बट मुझे आइकनस याद नहीं होते यार ये कैसा मजाक कर रहा हूँ मैं ये भी मैं फास्ट बैकवर्ड यूज़ कर सकता हूँ मैं बैकवर्ड यूज़ कर सकता हूँ ए एफ ए बैकवर्ड और देखता हूँ ये वाला आइकन है देखो ये वाला आइकन बढ़िया है आ, कोई भी आइकन आप यूज़ कर सकते हो स्टेप बैकवर्ड ओके आई गॉट इट आई गॉट इट स्टेप बैकवर्ड ठीक है तो मैं कंट्रोल जेड करूंगा प्ले uh, बैकवर्ड नहीं स्टेप बैकवर्ड ठीक है तो यहाँ पर और यहाँ पर स्टेप बैकवर्ड यार आप लोग कॉपी कर लेना ज़्यादा चक्कर में पढ़ने के मत आइकन्स को याद करने के ठीक है क्या फ़ायदा तो अभी आ जाना चाहिए आइकन्स अभी भी नहीं आया अगर तो मुझे आएगा गुस्सा मुझे आ रहा है गुस्सा ठीक है बहुत तेज़ वाला ऐसा क्यों हो रहा है मैंने एफ़ ए स्टेप बैकवर्ड यूज़ किया मैंने एफ ए स्टेप फॉरवर्ड यूज़ किया एफ ए थ्री एक्स यूज़ किया आइकन क्यों नहीं आ रहा है आइकन क्यों नहीं आ रहा है तो यार ये या आइकन पता नहीं क्यों नहीं काम कर रहा है थ्री एक्स के लिए मैं एक काम करता हूँ बहुत ही सिंपल सी चीज़ करता हूँ मैं फास्ट बैकवर्ड और फास्ट फॉरवर्ड यूज करता हूँ बैकवर्ड और फॉरवर्ड की जगह ठीक है तो फास्ट बैकवर्ड और यहाँ पर मैं फास्ट फॉरवर्ड यूज करूँगा ठीक है स्टेप नहीं फास्ट ठीक है और अभी देखता हूँ ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है और यहाँ पर मैं सेम चीज को कॉपी करूंगा और इसको कर दूंगा फास्ट फॉरवर्ड तो जैसे मैंने फास्ट बैकवर्ड किया मैं यहाँ पर फास्ट फॉरवर्ड भी कर दूंगा ठीक है तो मैं इसको सेव करूंगा सेव करने के बाद यहाँ पर देखो आइकन्स मेरे दे बिल्कुल सही सही आ गए ठीक है हाँ मुझे पता है कि मुझे इन आइकन्स को थोड़ा सा बड़ा करना है ठीक है और इसमें एफ ए टू एक्स क्लास जो है वो काम नहीं कर रही है ना थ्री एक्स काम कर रही है आई डोंट नो वाई शायद ये कोई प्रो फीचर है आई जस्ट हैव नो आइडिया ठीक है ऐसा क्यों हो रहा है अभी अभी ये काम कर गई ओके तो तो एफ ए थ्री अभी काम कर गई क्लास यहाँ पर तो मैं एफ़ थ्री एक् दोनों में यूज़ कर लूँगा आई थिंक दिस लुक्स क्लीन बढ़िया दिख रहा है ठीक है और ये नेक्स्ट ये प्रीवियस और यहाँ पर ये फास्ट फॉरवर्ड का आइकन है वैसे मैंने मैंने गलत आइकन यूज़ कर दिया टू बी ऑनेस्ट ये प्रो लाइसेंस रिक्वायर्ड है इसके लिए, एसके लिए, एसके लिए स्टेप बैकवर्ड के लिए नहीं है तो इसको मैं वापस से स्टेप बैकवर्ड करने की कोशिश करता हूँ यार ऑसम awesome, कभी कभी ट्रिकी हो जाता है कभी कभी मुझे नहीं पता वो एरर होता है या फिर हमें ऑथराइजेशन नहीं होता है उसको यूज़ करने का आई जस्ट डोंट नो ठीक है अभी देखो ये आइकन्स आ गए अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था नहीं आ रहे थे ठीक है मुझे नहीं मालूम मैं तो एस डाउनलोड करके अपनी प्रोडक्शन वेबसाइट्स पर लगाता हूँ जितनी बात है अब वैसे अगर किसी को मालूम हो कि ऐसा क्यों हो रहा था तो मुझे कमेंट में जरूर बताओ यार ठीक है आ, ये चीज हमने यहाँ पर कर लिया ऑब्वियसली हम इसको यहां पर रखना चाहते हैं नीचे और इसको नीचे रखना चाहेंगे हम लोग और यहाँ पर क्या करेंगे कि सॉन्ग इन्फो जो है उसको हम लोग यूज करेंगे ठीक है तो अगर आप लोग कोड में देखो तो बॉटम को मैंने एक फ्लेक्स बॉक्स बनाया है इसकी फ्लेक्स डायरेक्शन को मैं चेंज करके कॉलम करूंगा ताकि मेरे आइकन्स नीचे आ जाएं और ये आइकन्स मेरे नीचे आ भी गए बट ये थोड़ा सा जो मेरा सीख बार है इसको बहुत ज़्यादा इसके पास आ गए हैं तो मैं चाहता हूँ कि ये सीख बार से थोड़ी सी दूरी बनाए तो इसको थोड़ी सी दूरी बनवाने के लिए मैं इसमें मार्जिन दूंगा टॉप पर इसके मार्जिन दूंगा और मैं क्या करूँगा यहाँ पर मार्जिन ऐड करूँगा ठीक है तो मार्जिन मैं कितनी ऐड करूँगा मैं यहाँ पर लिखूँगा मार्जिन और टॉप बॉटम से ट्वेल्व पिक्सल लेफ्ट राइट से ज़ीरो ठीक है मुझे बॉटम में इनफैक्ट ऐड नहीं करनी थी मार्जिन मुझे मार्जिन ऐड करनी थी इन आइकन्स पर तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर डॉट आइकन्स लिखूंगा और उस पर मैं आ, मार्जिन दे दूँगा ठीक है तो डॉट आइकन्स मैं अपन मार्जिन टॉप दे दूंगा मार्जिन टॉप कितनी दूँ थर्टी फोर पिक्सल्स ठीक है थर्टी फोर पिक्सल्स की मार्जिन टॉप में यहाँ पर दे देता हूँ और मैं इसको सेव करके देखता हूँ कि कैसे दिख रही है बढ़िया दिख रही है बट थोड़ी ज़्यादा हो गई शायद मार्जिन टॉप थर्टी फोर पिक्सल चौदह पिक्सल में देखते हैं क्या होता है चौदह पिक्सल लुक्स क्लीन टू मी और बढ़िया यार बढ़िया दिख रही है अब ये यहाँ पर क्लिक करूंगा तो मैं चाहता हूँ प्ले हो पॉज हो इसके कर्सर को भी पॉइंटर कर लेते हैं यार तो क्या चाहूंगा कि जो डॉट आइकन्स के अंदर जो डॉट आइकन्स के अंदर आए है उसमें कर्सर को कर दो पॉइंटर ठीक है ताकि मैं जब भी लेकर जाऊं अपना एरो इसमें तो ये कुछ इस तरह से दिखाएं प्ले कर सकूं पॉज कर सकूं नेक्स्ट कर सकूं प्रीवियस कर सकूं ठीक है ये सारे के सारे काम करो अब मैं अगर कंटेनर के अंदर आइटम्स डालूंगा अब ये कंटेनर की जो हाइट होगी वो थोड़ी सी ऊंची नीची होगी ठीक है इसके अंदर कंटेंट आएगा तो ये ऑटोमेटिकली नीचे पुश हो जाएगा इसलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा चेंजेस नहीं कर रहा हूँ ठीक है तो यहाँ पर होम अबाउट में भी मैंने ज़्यादा चेंजेस नहीं करे इनको लिंक्स नहीं बनाया है क्योंकि मेरे पास कोई अबाउट पेज है नहीं डालने के लिए ना ही मैं होम का लिंक जो है वो सेम पेज पर डालकर कुछ साबित करना चाहता हूँ ठीक है ये जो बेस्ट ऑफ एंसी नो को साउंड्स लिखा हुआ है ना मैंने इसको मैं कंटेनर के अंदर डालूंगा और अब टाइम आ चुका है कंटेनर को यहाँ पर स्टाइल देने का ठीक है कंटेनर को क्या स्टाइल दूंगा मैं कंटेनर को यहाँ पर मैं सबसे पहले तो कंटेनर का बैकग्राउंड कलर ठीक है तो कहाँ गया मेरा कंटेनर मैं नैव के बाद ही जो है कंटेनर को यहाँ पर Uh, ये ना मेरा फैमिले सेवेंटी फाइव वी मैंने इसको हाइट दी थी ठीक है मेन हाइट इसको सेवेंटी फाइव वी दी थी तो बैकग्राउंड कलर ब्लैक और कलर वाइट तो कर ही देता हूँ ठीक है वो तो मैं कर ही देता हूँ ठीक है और ये करने के साथ साथ जो फॉन्ट फैमिली है इसको भी मैं चेंज कर दूंगा ठीक है और जो कंटेनर है उसकी फॉन्ट फैमिली को मैं ये कर दूँगा वरेला राउंड ठीक है ये भी कर देता हूँ ठीक है तो फॉन्ट फैमिली जो है कंटेनर की वो ये हो जाएगी उप्स मैंने क्या कर दिया है फॉन्ट फैमिली दो बार लिख दिया कोई बात नहीं आऊंगा वापस आ, और ये थोड़ा ब्लैक हो गया ठीक है कोई बात नहीं अभी मैं इसको ठीक कर दूंगा ठीक है यहाँ पर अभी ये ब्लैक हो गया है पूरा का पूरा आ, बट मैं इसको डेफिनेटली चेंज करूंगा इसकी जो विथ वगैरह है उसको मैं कम करूंगा कंटेनर की और कंटेनर के अंदर हमारे दो और बॉक्सेस थे ठीक है तो उनको देखते हैं अभी हमने क्या क्या हिसाब बनाया था एक था सॉन्ग लिस्ट और एक था सॉन्ग बैनर ठीक है है अभी जो ना ये सॉन्ग लिस्ट के अंदर जाएगा क्योंकि जो हेडिंग होगी वो ऑब्वियसली मैं सॉन्ग लिस्ट के अंदर रखना चाहूंगा और मैं कंटेनर को बना दूंगा एक फ्लेक्स बॉक्स ठीक है तो आप देखते जाओ यहां पर मैं क्या करूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूंगा ठीक है अगर मैं डी एफ तो डिस्प्ले फ्लेक्स हो जाएगा ठीक है और इसको सेव करता हूँ क्या मुझे इसकी फ्लेक्स डायरेक्शन को नहीं कॉलम नहीं करना है क्योंकि मैं इसको हॉर्जोंटली रखना चाहता हूँ इसमें यार मार्जिन ऐड करते हैं ठीक है थीके? कितनी ऐड करूँ मार्जिन मार्जिन टॉप बॉटम से मैं ऐड करूंगा ठीक है मेन मार्जिन मैं ट्वेंटी थ्री पिक्सल की ऐड करता हूँ टॉप बॉटम से और टॉप बॉटम से ऐड करने के बाद मैं मार्जिन को ऑटो कर दूंगा ताकि ये सेंटर पर आ जाए ठीक है तो यहाँ पर अगर मैं इसकी विथ को कम करूंगा तो ये सेंटर पर आना चाहिए अभी इसकी विट को तो कम करता हूँ विड को सेवेंटी परसेंट करता हूँ ठीक है लगेगा तो बढ़ा दूंगा कोई टेंशन नहीं ठीक है और विट को मैंने सेवेंटी परसेंट किया हाँ आ गया सेंटर पे तो ये एक मैंने यहाँ पर डब्बा बना दिया ऑब्वियसली इसमें मैं बॉर्डर रेडियस देना चाहूंगा एक बॉर्डर रेडियस भी अच्छी लगेगी इसमें बॉर्डर रेडियस radius... कितने की बॉर्डर रेडियस थर्टीन पिक्सल ट्वेल्व पिक्सल देखते हैं ट्वेल्व पिक्सल कैसी लगती है हाँ ट्वेल्व पिक्सल बढ़िया लग रही है ठीक है ट्वेल्व पिक्सल तो ठीक लगी रही है बट उसी के साथ साथ मुझे यहाँ पर पैडिंग भी देनी चाहिए ताकि जो कंटेंट है वो थोड़ा सा अंदर को घुस जाए ठीक है तो पैडिंग दे दूँगा थर्टी फोर पिक्सल की यार मैंने बहुत डिज़ाइनिंग कर दी है इसके अंदर ठीक है अब पैडिंग देने से ये थोड़ा सा नीचे को चला गया है मैं चाहता हूँ कि नीचे से भी इसके अंदर जो है मार्जिन वगैरह आ जाए ठीक है तो ऊपर से भी मार्जिन आ रही है इनफैक्ट नहीं बिल्कुल सही है वैसे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं रीसेट कर दूँ अगर मैं तो ये ऐसे दिख रहा है आ, शुड बी फाइन आई guess uh, इसकी हाइट को थोड़ा कम किया जा सकता है ठीक है तो वो देख लेंगे हाइट को इसकी कम कर देंगे अगर ऐसी बात है तो बट अभी के लिए क्या करते हैं ना इसकी मेन हाइट को यार कम ही कर देता हूँ कहाँ गई इसकी मेन हाइट सेवेंटी फाइव थी ना सेवेंटी कर देता हूँ सेवेंटी बी एच ठीक है हाँ ठीक लग रहा है ठीक है अब बढ़िया लग रहा है और इसको भी मैं थोड़ा सा ऐसा कर दूँगा कि ये पूरा का पूरा नीचे आ जाए ठीक है वो भी मैं कर दूँगा uh, यहाँ पर uh, इसकी मेन हाइट को थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूँ सेवेंटी फाइव बी एच करता हूँ सेवेंटी फाइव बी एच 75 फाइव 75 एच थोड़ा कम हो गया 72 टू 72 एच 72 टू is fine. सेवनटी uh, टू मुझे एक चीज़ करनी चाहिए थी यार ये जो मैंने uh, इसको स्टिकी बनाया इसकी मैंने position को स्टिकी बनाया था जब कहाँ गई इसकी position स्टिकी पोजिशन स्टिकी बनाया था बॉटम बॉटम जीरो मैंने किया था अब मैं क्या करूँगा कंटेनर के अंदर दूंगा बैकग्राउंड इमेज ठीक है तो बैकग्राउंड इमेज मैं दूँगा यू और यू में मैं क्या करूँगा कवर नहीं बीजी डॉट जेपी जी आई एम नॉट रॉन्ग बी जी डॉट जेपी जी था देखते हैं आया क्या background? हाँ आ गया। तो यार देखो कितना क्लीन लग रहा है अभी हमारा यू आई बहुत क्लीन लग रहा है बढ़िया लग रहा है ठीक है अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर उस गाने का नाम आए जो कि बज रहा है और एनिमेशन वगैरह प्ले हो और यहाँ पर लिस्ट आए हमारे उन सारे सॉन्ग्स की जिनको हम प्ले करना चाहते हैं और वो होने वाला है हमारी सॉन्ग लिस्ट के अंदर ठीक है तो हम अब क्या करेंगे जो हमारी सॉन्ग लिस्ट है उस पर काम करेंगे ठीक है तो सॉन्ग लिस्ट के अंदर की जो एच है वो कैसी दिखेगी इसके बारे में बात कर लेते हैं तो इसके लिए हम लोग आएंगे एच के अंदर और यहाँ पर हमारी सॉन्ग लिस्ट होने वाली है तो जो हमारी सॉन्ग लिस्ट है आ, मैं इसको एक डिव के अंदर डालूंगा ठीक है तो मैंने यहाँ पर सॉन्ग लिस्ट लिखा हुआ है इसके बाद मैंने एक डिव लगाया हुआ है और इसके अंदर मैं यहाँ पर एक डिव डॉट सॉन्ग आइटम लिखूँगा ठीक है तो मैं यहाँ पर सॉन्ग आइटम लिख देता हूँ डिव डॉट सॉन्ग आइटम मैंने यहाँ पर लिख दिया है इस सॉन्ग आइटम के अंदर मैं क्या करूँगा और सॉन्ग आइटम के आई को मैं कैपिटल कर दूंगा आ, ये करने के बाद मैं क्या करूँगा मैंने सॉन्ग आइटम के आई को कैपिटल किया अब मैं एक सॉन्ग आइटम के अंदर सबसे पहले डालना चाहूँगा एक इमेज जो कि क्या होगी जो कि कवर इमेज होगी ठीक है तो मैं यहाँ पर एस आर सी टू लिख दूँगा कवर वन डॉट जे पी जी ठीक है इसके बाद मैं ऑल्ट में वन लिखूँगा और इसको मैं हटा देता हूँ एस आर सी सेट को ठीक है ये काम मैंने कर दिया जैसे ही अब मैं क्या करूँगा कि एक स्पैन लगाऊंगा यहाँ पर ठीक है एक स्पैन के अंदर क्योंकि मैं चाहता हूँ ये एक ही लाइन में रहे गाने का नाम लिखूंगा ठीक है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लेट मी लव यू ठीक है तो ये करने के बाद मैं क्या करूँगा एक यहाँ पर एक प्ले आइकन दूंगा ठीक है तो मैं एक काम करता हूँ मैं एक स्पैन बनाता हूँ और इसका नाम रख देता हूँ सॉन्ग लिस्ट प्ले ठीक है एक क्लास दे दी मैंने सॉन्ग लिस्ट प्ले नाम की स्पैन दूंगा उसके अंदर मैं ड्यूरेशन डाल दूंगा और ड्यूरेशन डालने के बाद मैं क्या करूंगा कि एक यहाँ पर आइकन डालूंगा ठीक है वो आइकन क्या होगा उस आइकन के अंदर आ, ये कहाँ से आया एक span, span, ठीक है मैं आइकन डाल दूंगा ठीक है तो मैं लिखूंगा आई और जो मेरा प्ले प्ले आइकन है वही डाल दूंगा ठीक है ये वाला देखता हूं कैसा लग रहा है ऑब्वियसली नॉट थ्री एक्स सेव किया आऊंगा यहाँ पर ये कवर थोड़ा बड़ा हो गया बट ये जो ये जो चीज़ है ये बहुत बढ़िया लग रही है ठीक है तो मुझे दो काम करना है सबसे पहला काम कि मुझे इस इमेज को छोटा करना है फिर उसके बाद इसकी विट को बढ़ाना है और यहाँ पर फिट करना है ठीक है ये काम मेरे हैं ये जो मुझे निपटाने हैं ठीक है थीके? तो मैं क्या करूँगा सबसे पहले तो सॉन्ग आइटम के लिए कुछ सी एस एस लिखूंगा तो मैं आ जाता तो हूँ यहाँ पर और डॉट सॉन्ग आइटम के लिए कुछ सी एस एस लिखता हूँ डॉट सॉन्ग आइटम के अंदर मैं क्या लिखूंगा मैं ये चाहूंगा कुल मिला जो सॉन्ग आइटम के अंदर की इमेज है मेरी सबसे पहले वो ठीक हो जाए ठीक है तो एक तो सॉन्ग आइटम के लिए तो लिखूंगा ही लिखूंगा सॉन्ग आइटम की जो आई एम जी है उसके लिए भी लिखूंगा ठीक है सॉन्ग आइटम के लिए क्या लिखूंगा सॉन्ग आइटम के लिए सबसे पहले मैं एक उसको हाइट दूंगा फिफ्टी पिक्सल्स की ठीक है हाइट देने के बाद मैं क्या करूँगा क्या मुझे इसको सॉन्ग आइटम को एक फ्लेक्स बॉक्स बनाने की जरूरत है क्या मैं चाहता हूँ कि सब कुछ हॉरिजोंटली आए Uh, हाँ मैं चाहता हूँ बट एनी में वैसे भी ऑरिजेंटली आएगा बट मैं इसको वैसे भी डिस्प्ले फ्लैक्स बना लेता हूँ ताकि मुझे अलाइनमेंट वगैरह करना पड़ जाए तो वो मैं कर पाऊँ ठीक है तो uh, ये करने के बाद मैं इसके बैकग्राउंड कलर को बैकग्राउंड कलर को वाइट दूंगा ठीक है और इसकी एक विथ्थ मैं दूंगा कितनी विथ दूँ uh, मैं मैं एक काम करता हूँ विट्थ को एट्टी परसेंट करता हूँ और देखता हूँ अभी यहाँ पर क्या सीन बना ठीक है तो ये सीन बना यार देखो तो इसका कलर यहाँ पर वाइट आ रहा है मुझे इसके कलर को भी ब्लैक करना पड़ेगा अगर मैं इसको कुछ इस तरह से दिखाना चाहता हूँ तो मैं इसके कलर को ब्लैक कर देता हूँ ठीक है कलर ब्लैक ठीक है और ये देखो ये कुछ अभी इस तरह से दिख रहा है इसकी विथ मैंने काफ़ी बढ़ा दी है मैं चाहूँगा कि इसके टॉप बॉटम से मैं मार्जिन दूँ तो मार्जिन में टॉप और बॉटम से देना चाहूँगा ट्वेल्व पिक्सल की लेफ्ट राइट से मैं जीरो देना चाहूँगा इसको सेव करूँगा ठीक है अब मैं चाहता हूँ कि जो अलाइन अलाई नहीं जस्टिफाई हाँ जस्टिफाई राइट लेक इंस्पेक्ट ये आ गया मेरा सॉन्ग आइटम ठीक है मैं लिखूंगा यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड ठीक है मैं स्पेस अराउंड कर दूंगा जस्टिफाई को स्पेस अराउंड करूँ या स्पेस बिटवीन करो स्पेस बिटवीन कर देता हूँ स्पेस बिटवीन ठीक है मैं इसको स्पेस बिटवीन करना चाहूँगा और अलाइन आइटम्स को मैं सेंटर करना चाहूँगा ये मैं, मैं वर्टिकली सेंटर करना चाहता हूँ इसको अलाइन आइटम्स को सेंटर करने से यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आ गई कि इमेज जो मेरी है वो बाहर लीक कर रही है तो उसका भी मैं इलाज करूँगा अभी सबसे पहले मैं इसको सेव करके जस्टिफाई और ये कर देता हूँ फिर मैं इसकी विट को ट्वेंटी थ्री पिक्सल्स कर देता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा एंड ऑब्वियसली मैं इसमें थोड़ा तो इसको बड़ा करता हूँ पहले एंड ऑब्वियसली मैं इसमें मार्जिन ऐड करूँगा मैक्स रेजोल्यूशन नहीं मार्जिन ट्वेंटी थ्री पिक्सल्स ज़ीरो ऊपर नीचे से नहीं आ, जीरो ट्वेंटी थ्री पिक्सल ऊपर नीचे से जीरो और लेफ्ट राइट से ट्वेंटी थ्री पिक्सल्स ठीक है तो ये मैंने कर दिया यहाँ पर ठीक है आप इसको बॉर्डर रेडियस देकर थोड़ा और अच्छा कर सकते हो तो आप सॉन्ग आइटम में भी बॉर्डर रेडियस डाल सकते हो बॉर्डर रेडियस और थर्टी फोर पिक्सल ये पूरी कैप्सूल की तरह बन गया देखो और ऑब्वियसली पैडिंग डाल सकते हो इस आई में और इस टाइम में ठीक है तो मैं यहाँ पर एक काम करूँगा ये वाला जो स्टैम्प स्पैन uh, है इसको मैं एक क्लास दूंगा टाइम स्टैम्प ठीक है और जो डॉट टाइम स्टैम्प है जो डॉट टाइम स्टैम्प है इसमें मैं एक मार्जिन दूंगा टॉप बॉटम से ज़ीरो लेफ़्ट राइट से ट्वेंटी थ्री पिक्सल्स ज़्यादा तो नहीं दे दी मैंने नहीं ज़्यादा नहीं दिया है उसी के साथ साथ ये जो आई है जो आ, हमारा आई आने वाला है इस पैन के अंदर मैं इसको इसी स्पैन के अंदर फिट कर देता हूँ एक्चुअली इस आई को मैं इसी स्पैन के अंदर फिट कर देता हूँ और स्पैन स्पेन क्लासेज टाइम स्टैम ये स्पेन यहाँ बंद हुआ ये स्पेन यहाँ स्टार्ट हुआ ओके ठीक है तो मैं जो टाइम स्टैम के अंदर का आई है मैं इसको भी जो है मार्जिन पैडिंग दे दूंगा अभी देखता हूँ ये कैसा लग रहा है इनफैक्ट ये ठीक हो चुका है यार आप लोग देखो ये बिल्कुल ठीक हो चुका है क्योंकि ये दोनों अभी एक बन गए हैं और इस इन दोनों में हमें मार्जिन पैडिंग मिल गई है शायद मैं इसको बड़ा करना चाहूँ ठीक है इस इस आई को बड़ा करना चाहूँ इसको मैं टू एक्स देता हूँ क्लास इसको टू एक्स देता हूँ एफ ए टू एक्स एफ ए टू एक्स ठीक है और देखता हूँ ये बड़ा हुआ कि नहीं इनफैक्ट एफ ए टू एक्स से ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया ठीक है तो जो कि एक प्रॉब्लम है एफ ए टू एक्स से कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया ये तो हम एक काम करते हैं इसको ऐसे ही रहने देते हैं ठीक है ठीक है मैं ज़्यादा डिज़ाइनिंग अभी नहीं करना चाहता मैंने बहुत बढ़िया कर दिया वैसे डिज़ाइनिंग अभी के लिए ये बिल्कुल ठीक है ओके एक चीज़ और कि ये जो इमेज है अगर ये सर्कुलर हो जाती तो बहुत बढ़िया लगती तो वो भी कर लेते हैं मैं यहाँ पर बॉर्डर रेडियस दूंगा और थर्टी फोर पिक्सल कर दूंगा और ये देखो ये सर्कुलर हो गई है अभी इमेज ठीक है तो एक कैप्सूल बन गई है सर्कुलर इमेज हो गई है ठीक है अब क्या करेंगे जो सॉन्ग आइटम्स हैं इनको अप्लीकेट करेंगे कंट्रोल डी 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 ठीक है देखो यहाँ पर ये सारे के सारे इमेज सॉन्ग्स हैं जिनको मैं प्ले कर सकता हूँ यहाँ क्लिक करके प्ले करूंगा ऐसे करके प्ले करूँगा इनकी विट्थ को हम लोग और बढ़ा सकते हैं बाय द वे इसकी विट को हम लोग और बढ़ा सकते हैं तो इसकी विट्थ को मैंने जो एट्टी परसेंट किया हुआ है सॉन्ग आइटम की इसको मैं हटा देता हूँ एट्टी परसेंट करने का कोई पॉइंट नहीं है ये अपनी पूरी स्पेस ले लें वही बढ़िया है और यहाँ पर मैं चाहूँगा क्लिक करें कोई भी तो प्ले हो जाए ठीक है तो मैं एक काम करता हूँ डॉट टाइम स्टैम्प का जो आई है का जो आई है यहाँ एक काम करता हूँ डॉट टाइम स्टैम्प के अंदर ही कर्सर पॉइंटर डाल सकता हूँ मैं तो डॉट टाइम्स टाइम के अंदर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये क्लिक हो जाएगा बट मैं चाहता हूँ के के ये यहाँ पर क्लिक होगा तो यहां पर मैं चाहूंगा कि पॉज वाला जो आइकन है वो आ जाए इसको करते करते मैं एक चीज और सोच रहा था कि क्या मैं इस पूरे के पूरे सॉन्ग्स को जो भी हमारे सॉन्ग्स हैं इनको थोड़ा सा नीचे गिरा सकता हूं मैं ये सोच रहा था और सॉन्ग आइटम्स इस डिव के अंदर है ठीक है तो ये जो डिव है मैं इसको दूंगा एक क्लास जिसका नाम मैं रखूंगा सॉन्ग आइटम्स कंटेनर ठीक है तो यहाँ पर आप लोग देखो मैं इसको एक क्लास दूंगा सॉन्ग आइटम कंटेनर ठीक है और जो सॉन्ग आइटम कंटेनर है और आप में से कई लोग सोच रहे लोगों कि यार इतना बड़ा नाम क्यों दे दिया छोटा सा दे देते दे नाम तो यार देखो बड़ा नाम देने का फ़ायदा ये होता है कि पता चल जाता है क्या है अब मुझे पता है कि ये सॉन्ग आइटम का कंटेनर है ठीक है सॉन्ग आइटम के कंटेनर को मैं मार्जिन टॉप दूंगा अरे मोशन पात नहीं मार्जिन टॉप ठीक है कितना दूँ थर्टी फोर पिक्सल से चालू करता हूँ देखता हूँ कैसा लगता है और इसको बंद करूंगा अभी और इसको मार्जिन टॉप थर्टी फोर पिक्सल मैंने दी है जो कि मुझे थोड़ी कम लग रही है सेवेंटी फोर पिक्सल देता हूँ और यहाँ पर देखो ये अभी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है ठीक है ये सॉन्ग्स नीचे आ गए और मैं इनको प्ले कर सकता हूँ पॉज कर सकता हूँ सब कुछ कर सकता हूँ ठीक है तो ये काफ़ी बढ़िया मुझे लग रहा है और यहाँ पर इनकी ड्यूरेशन आ गई यहाँ पर सॉन्ग का नाम आ गया सॉन्ग भी बदलेगा कवर भी बदलेगा तो थोड़ा सा और अच्छा लगेगा अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर इस एरिया में मैं क्या रखूँ यहाँ पर एक जी आई जो कि चलेगी जब मेरा सॉन्ग प्ले होगा तो अब मुझे वो बनाना है और उसके बाद जो मेरा काम रह जाएगा वो क्या रह जाएगा सिंपल चावा लिखना काम रह जाएगा सॉन्ग को लगाना प्ले करना ये सब मेरा काम रह जाएगा ठीक है तो मैं मैं एक काम जल्दी से कर लेता हूँ यहां पर मैं काम क्या करूँगा कि एक तो सॉन्ग का नाम यहाँ पर और वो जो जी आई एफ थी वो ठीक है तो मैं एक सॉन्ग इन्फो नाम से आ, कंटेनर बनाऊंगा सॉन्ग बैनर सॉन्ग बैनर नहीं बॉटम के अंदर ही बनाऊंगा बॉटम कहा गया मेरा ये बॉटम है बॉटम के अंदर सॉन्ग इन्फो नाम से बनाऊंगा ये तो आइकन्स थे डिप डॉट सॉन्ग इन्फो ठीक है मैं डिप डॉट सॉन्ग इन्फो यहाँ पर लिखूंगा और यहाँ पर आई एम जी एस आर सी लगाऊंगा यहाँ पर ठीक है और एस आर सी जीगल टू क्या लगाऊंगा मैं एस आर सी जीगल टू यहाँ पर लगाऊंगा जो मेरी थी, GIF थी जी आई एफ ठीक है प्लेइंग डॉट जी आई एफ ठीक है और प्लेइंग डॉट जी आई एफ लगाने के बाद इसको मैं एक विट दूंगा मुझे पता ये बहुत बड़ी हो जाएगी इसलिए इसको विट दूंगा और भी देखता हूँ ये कहाँ पर जाकर गिरी तो ये यहाँ पर गिरी देखो यहाँ पर आकर गिरी मैं चाहूँगा कि आ, एक नाम भी मैं दूँ ठीक है सॉन्ग इन्फो के अंदर एक नाम भी दूँ जैसे मान लो मैंने दे दिया लेट मी लव यू जस्ट इन पीपल ठीक है तो ये मैंने यहाँ पर दे दिया और यहाँ पर देखो लेट मी लव यू जस्ट इन बीबल लिख कर आ गया आ, मैं चाहता हूँ ये चीज़ यहाँ पर आ जाए एकदम यहाँ पर एक्सट्रीम पे ठीक है तो मैं एक काम करता हूँ जो डॉट सॉन्ग इन्फो है बाय द वे जो हमारा बॉटम है वो पोजिशन एलिमेंट है तो अगर मैं सॉन्ग इन्फो को अगर मैं सॉन्ग इन्फो को पोजीशन uh, दे दूँ रिलेटिव और लेफ्ट दे दूं जीरो तो ये लेफ्ट में पहुंच जाएगा नहीं पहुँचा ऐसा क्यों हुआ रिलेटिव नहीं यार एब्सोल्यूट आई एम वेरी सॉरी एब्सोल्यूट ठीक है तो लेफ्ट में जीरो दे दूँ तो ये एकदम लेफ्ट में पहुँच जाएगा यार सॉलिड बन गई ये एप्लीकेशन अभी जो भी हमने काम किए हैं वो बहुत बढ़िया दिख रही है यार मतलब उसके हिसाब से अब यहाँ पर मुझे क्या करना है सबसे पहले तो ये जो लेट मी लव यू इसको मुझे सीधे यहाँ पर राइट साइड की तरफ फेंकना है लाकर अच्छा एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि ये एप्लीकेशन बड़े आराम से रिस्पॉन्सिव बन सकती है ये जो हमारी वेबसाइट है स्पॉटीफाई क्लोन बहुत बड़े आराम से रिस्पॉन्सिव बन सकती है हम क्या कर सकते हैं जो लेट मी लव यू लिखा हुआ है इसको ऊपर थोड़ी सी स्पेस देकर भेज सकते हैं जब हम इसको रिस्पॉन्सिव करेंगे बट अभी रिस्पॉन्सिव को छोड़ते हैं तो हम लोग क्या करेंगे कि जो लेट मी लव यू लिखा हुआ है यानी कि गाने का नाम जो लिखा हुआ है यानी कि जो सॉन्ग इनफो है मैं उसके लेफ्ट में वी डब्ल्यू के हिसाब से लगाऊंगा मैं नाइन वी डब्ल्यू लिखता हूँ नाइन वी डब्ल्यू देखा कितना सही मैंने मारा तुक्का टेन वी डब्ल्यू टेन वी डब्ल्यू से हमारा काम हो गया ठीक है तो टेन वी डब्ल्यू करने से क्या होगा ये देखो आप लोग अभी यहाँ पर मैं टेन वी डब्ल्यू कर देता हूँ इसको टेन वी डब्ल्यू ठीक है टेन वी डब्ल्यू करने से सिंपली अपनी जगह पर आ जाएगा यहाँ पर और अगर मैं रिस्पॉन्सिव डिज़ाइनिंग की भी बात करूँ तो कोई टेंशन नहीं है बिल्कुल वहीं के वहीं है देखो टेन बी डब्ल्यू करने से बिल्कुल सीख बार के नीचे ठीक है तो ये हमें फ़ायदा हुआ अब मैं यहाँ पर क्या चाहता हूँ कि कोई भी इंसान इसको प्ले करे गाने को तो ये गाने बजना शुरू हो जाए और उसके लिए मुझे लिखनी पड़ेगी जावा स्क्रिप्ट ठीक है और मैं नहीं चाहता कि ये जो गिफ है हमारी ये हमारी दिखती रहे हर बार तो जो हमारी गिफ है प्लेइंग डॉट गिफ है यानी कि सॉन्ग इन्फो के अंदर का जो इमेज है यानी कि डॉट सॉन्ग इन्फो डॉट आई एम जी जो है हमारा डॉट सॉन्ग इन्फो डॉट नी सॉरी डॉट सॉन्ग इन्फो आई एम जी जो है हमारा उसकी मैं ओपेसिटी को कर दूंगा ज़ीरो और ट्र ट्रांज, ट्रांजिशन लगाऊंगा ओपेसिटी पर ओपेसिटी पर लगाऊंगा ज़ीरो पॉइंट वन सेकेंड का लगाऊंगा इज इन ठीक है ये मैंने ट्रांजिशन लगा दिया अब क्या होगा इससे जब भी मैं इसकी ओपेसिटी को वन करूंगा मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर देखो ये ओपेसिटी जीरो हो गई इसकी ठीक है और मैं इसको रिलोड करूंगा जब भी मैं इसकी ओपेसिटी को वन करूंगा तो ये ऐसे करके आएगी ठीक है दिखाता हूँ आपको मैं इसकी ओपेसिटी को मैं जैसे ही वन करूंगा आप देख रहे हैं यहाँ पर ये देखो इस तरह से आ गई तो जब भी मैं प्ले करूंगा मैं इसकी कपैसिटी को जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्ट से बन कर दूंगा ठीक है तो यार बढ़िया हो गया अभी तक काम अब हमें करना क्या है कि हमें गाना प्ले करने के लिए जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्ट लिखनी है ठीक है जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्ट में जो सबसे पहला काम मैं करता हूँ हमेशा से वो लिखता हूँ मैं कंसोल डॉट और यहाँ पर लिखता हूँ वेलकम टू स्पॉटिफाई ठीक है मैं इसको सेव करूँगा और कंसोल में देखूंगा कि यार चल भी रहा है मेरी जावास्क्रिप्ट प्ले हो भी रही है एग्जीक्यूट हो भी रही है कि नहीं हो रही है ठीक है हो रही है बिल्कुल एग्जीक्यूट हो रही है मैं बहुत ही सिंपल सा काम करूँगा सबसे पहले मेरा टारगेट ये रहेगा कि मैं गाने को प्ले कर पाऊँ ठीक है गाने को प्ले करना मेरा सबसे पहला टारगेट होगा और वो काम मैं कैसे करूँगा मैं यहाँ पर सिंपली आपको बताता हूँ कैसे किया जाता है और ये आप लोग कर लोगे ना मैं आपको दिखाता हूँ लेट ऑडियो एलिमेंट इज इक्वल टू आपको एक नया ऑडियो बनाना है और यहाँ पर वन डॉट एम पी थ्री है मेरी एम पी थ्री फाइल का नाम है फैम डॉट कॉम ठीक है और इसके बाद मुझे क्या करना है ऑडियो एलिमेंट डॉट प्ले कर देना है तो यार मैंने बताया क्या किया है? इसको कमेंट आउट कर दिया कि प्ले हो जा रहा था गाना ठीक है तो गाना प्ले हो रहा है ये हमने अभी देख लिया ठीक है अब हमें क्या करना है हमारा अगला टारगेट क्या है मैं ये चाहता हूँ कि जब भी कोई यहाँ पर क्लिक करे जब भी कोई यहाँ पर क्लिक करे तब ये गाना प्ले हो जाए ठीक है और यहाँ पर गाने का नाम आ जाए और ये जो हमारा यहाँ पर म्यूज़िक बज रहा है वो भी बजे बट उससे भी पहले मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा लेट मी लव यू जस्टिन बी यानी कि सॉन्ग इन्फो है सॉन्ग इन्फो पर मैं फॉन्ड फैमिली देना चाहता हूँ कौन सी फॉन्ड फैमिली देना चाहता हूँ कहाँ गई वरेला ठीक है मैं इसको कॉपी करूँगा और सॉन्ग इन्फो के अंदर मैं फॉन्ट फैमिली दे दूँगा कि यार सॉन्ग इन्फो के अंदर जो चीज़ है वो वेरेला में आ जाए अब देखो ये थोड़ा सा क्लीन लग रहा है ठीक है तो अब मैं क्या करूँगा कि जैसे ही मैं यहाँ पर प्ले पर क्लिक करूँगा मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर सॉन्ग प्ले होना स्टार्ट हो जाए और मैं सीख बार भी यूज़ कर पाऊँ एक काम और करूँगा यहाँ पर जो मेरा सीख बार है ना जो मेरा सीख बार है उस पर मैं कर्सर पॉइंटर करूँगा और मेरा सीख बार है इनपुट माई प्रोग्रेस बार ठीक है माई प्रोग्रेस बार माई प्रोग्रेस बार ये रहा सर पॉइंट ठीक है सेव किया और यहाँ पर अब मैं लेकर जाऊँगा तो ये देखो हाथ बन गया ठीक है ताकि मैं इसको सीख कर सकूँ और गाने को आगे पीछे बढ़ा सकूँ ठीक है हाँ ऑब्वियसली आप लोग यहाँ पर टाइम स्टैम्प भी चला सकते हो जीरो जीरो और जितना भी बड़ा गाना है आपका वो यहाँ पर लिख सकते हो बट अभी के लिए मेरा फोकस रहेगा प्रीवियस नेक्स्ट पर और इस गाने पर ठीक है तो मेरी जो जावासक्रिप्ट है उसके अंदर एक एरे रहेगा ठीक है लेट सॉन्ग्स इज इक्वल टू एक एरे रहेगा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स रहेगा जिसके अंदर क्या क्या की वैल्यू पेयर्स रहेंगे एक तो सॉन्ग नेम रहेगा सॉन्ग नेम रहेगा जैसे मान लो आ, कोई भी सॉन्ग ले लेते हैं सलाम इश्क ले लेते हैं ठीक है और उसी के साथ साथ फ़ाइल पाथ रहेगा कि वो गाना आपका कहाँ पर है ठीक है वो यहाँ पर पाथ आप डाल दें हो सकता है सॉन्ग्स फोल्डर के अंदर वन डॉट वन डॉट एम थ्री हो ठीक है ये आपका फाइल पाथ यहाँ पर आ जाएगा ठीक है और इसके बाद आपका कवर पाथ आ जाएगा कवर पाथ आपका आ जाएगा कवर स्लैश वन डॉट जे पी जी लेटर रिज्यूम ठीक है और आपका कवर पाथ यहाँ पर आ गया फाइल पाथ यहाँ पर आ गया और सॉन्ग नेम तो आपका यहाँ पर आ ही गया यहाँ पर जो सॉन्ग नेम आपका यहाँ पर लिख कर आएगा वो आ जाएगा और आपका गाना प्ले होना शुरू हो जाएगा तो इतना ही अभी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए और मैं ऐसे बहुत सारे गाने यहाँ पर ले आऊँगा ठीक है वन वन डॉट एम पी थ्री टू डॉट एम पी थ्री थ्री डॉट एम पी थ्री और मैं इन सारे के सारे गानों को क्या करूँगा इन सारे के सारे गानों को मे बी मैं पॉपुलेट करूँगा यहाँ पर ठीक है बट अभी के लिए मैं क्या करूँगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन यहाँ पर नाइन सॉन्ग्स हैं मेरे आ, मैं इन नाइन सॉन्ग्स को इनको टेन सॉन्ग्स में कर लेता हूँ जीरो से लेकर नाइन तक फिर ये जाएंगे सॉन्ग आइटम इनको मैं दस सॉन्ग्स कर लूँगा और दस सॉन्ग्स के हिसाब से मैं इनको प्ले करूँगा ठीक है आ, अभी के लिए मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ बट अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर मैंने जो ऑडियो है उसको यहाँ पर ऐसे लोड कर दिया ठीक है मैं कुछ लॉजिक लिखूँगा आप लोग देखते जाओ मैं क्या लॉजिक लिखूँगा मैं एक इवेंट को लिसन करूँगा और वो इवेंट कौन सा होगा आ, मैं यहाँ पर देख बताता हूँ आपको कौन सा इवेंट होगा टाइम चेंज इवेंट ऑफ ऑडियो एक्चुअली मुझे याद नहीं है कि जो हमारा ऑडियो है उसमें जब टाइम चेंज होता है तो वो कौन सा इवेंट होता है टाइम अपडेट इवेंट होता है ठीक है टाइम अपडेट इवेंट तो मैं टाइम अपडेट इवेंट को लिसन करूंगा तो मैं यहां पर लिखूंगा मैं यहाँ पर एक सेक्शन ही बना दूंगा लिसन टू इवेंट्स ठीक है मैं यहां पर लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिसनर डॉक्यूमेंट पर नहीं मुझे एक्चुअली मैं यहाँ पर लिखता हूं इनिशियलाइज दबल्स पहला वेरिएबल मैं कौन सा इनिशियलाइज करूंगा सॉन्ग इंडेक्स कि कौन सा सॉन्ग प्ले हो रहा है इनिशियली जीरो सॉन्ग प्ले होगा फिर इसके बाद ऑडियो एलिमेंट जो कि मैंने यहां पर बनाई दिया ठीक है वो मेरा ये हो जाएगा वन डॉ एमपी थ्री ठीक है ऑडियो एलिमेंट में मैंने बना दिया ऑडियो एलिमेंट बनाने के बाद मैं क्या करूंगा एक मास्टर प्ले के नाम से बनाऊंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आई डी और आई डी होगी मास्टर प्ले किसकी होगी आई डी मास्टर प्ले ये जो मास्टर वाला हमारा प्ले है यानी कि ये वाला बटन ये वाला प्ले इसकी मैं आईडी दे दूंगा एक मास्टर प्ले ठीक है इसकी आईडी मास्टर प्ले हो गई और एक बार इसकी आईडी मास्टर प्ले मैंने लगा दी इसके बाद मुझे और कौन कौन से और, और किस किस की आई चाहिए मुझे इसके बाद मुझे एक तो प्रोग्रेस बार की आई चाहिए लेट माई प्रोग्रेस बार इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय गेट एलिमेंट बाय आई और माय प्रोग्रेस बार ठीक है ये मैंने कर दिया प्रोग्रेस बार भी हमारा आ गया ठीक है अब मैं क्या करूँगा ये करने के बाद आ, मैं कहूँगा कि कोई भी अगर मास्टर प्ले पर क्लिक करता है कोई भी अगर मास्टर प्ले पर क्लिक करता है तब क्या होना चाहिए आ, और जो ये इवेंट में लेसन करूँगा ये माय प्रोग्रेस बार पे करूँगा ठीक है ये मैं सबसे पहले इसको इस तरह से बना देता हूँ कि कि जब भी हम लोग प्रोग्रेस बार का टाइम टाइम चेंज था इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग मैंने बंद तो नहीं की ना वो टैब नहीं की टाइम अपडेट था यार टाइम अपडेट ये इवेंट्स ना कभी कभी तो याद नहीं रहते हैं मुझे अगर बहुत लंबे टाइम तक आप काम कर रहे हैं सिर्फ जावास्क्रिप्ट में हाँ आपको याद भी रह जाएंगे बट एक टाइम के बाद आप शायद भूल जाएं बट हाँ मुझे ये पता है कि चेंज हो रहा है टाइम तो मैं एक काम करता हूँ कंसोल डॉट लॉग यहाँ पर लिखता हूँ टाइम अपडेट ठीक है टाइम अपडेट मैंने यहाँ पर लिख दिया और ये ये इवेंट के लिए तो मैं लिसन कर ही रहा हूँ एक काम मैं और करूंगा जब जब इसका टाइम चेंज होगा तब तो मैं लिसन कर ही रहा हूँ इवेंट के लिए और यहां पर मैं क्या करूंगा सीक बार को अपडेट करूंगा बट उससे भी पहले गाना तो प्ले हो जाए हैंडल प्ले पॉज क्लिक ठीक है मैं यहाँ पर अब क्या करूँगा मैं कहूँगा यार मास्टर प्ले पेक एड इवेंट लिसनर लगाओ क्लिक का यानी कि अगर किसी ने भी मास्टर प्ले को क्लिक किया तब क्या होगा तब यहां पर दो बातें होंगी या तो ऑडियो प्ले हो रही है ऑडियो प्ले नहीं हो रही है अगर ऑडियो प्ले नहीं हो रही है यानी कि जो ऑडियो एलिमेंट है वो पॉज्ड है या फिर ऑडियो एलिमेंट स्टार्ट ही नहीं हुआ, यानी कि जो ऑडियो एलिमेंट का करंट टाइम है करंट टाइम है वो क्या है वो मेरा लेस देन इक्वल टू जीरो है ठीक है इनफैक्ट जीरो ही होगा वो पर लेट एन इक्वल टू जीरो अगर है तब मैं क्या करूँगा इसका मतलब यहाँ पर ऑडियो रुकी हुई है ऑडियो प्ले नहीं हो रही है इसका मतलब ऑडियो को प्ले कर दो ठीक है तो मैं क्या करूँगा कि लिखूंगा ऑडियो एलिमेंट डॉट प्ले ठीक है सिर्फ इतना देखता हूँ अभी चल रहा है कि नहीं ठीक है तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा मैंने अपना ईयरफोन निकाल दिया मेरा ईयरफोन लगा हुआ था एक्चुअली तो मैं क्या करूँगा कि जो मेरा प्ले है उस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ गाना बजा ठीक है गाना बजा नहीं बजा अब मैं चाहता हूँ कि गाना तो बज गया बट मैं ये भी चाहता हूँ कि जो आइकन प्ले वाला है वो पॉज में कन्वर्ट हो जाए ठीक है तो जो मास्टर प्ले है उसकी क्लास लिस्ट में से सबसे पहले मैं रिमूव करूँगा कौन सी क्लास कौन सी क्लास रिमूव करूँगा देख लेता हूँ एफ ए प्ले सर्कल रिमूव करूँगा और एफ ए पॉज सर्कल लगा दूंगा ठीक है एफ ए प्ले सर्कल रिमूव करूँगा और एड करूँगा एफ ए पॉज सर्कल एफ ए पॉज सर्कल ठीक है एफ ए प्ले सर्कल एफ ए पॉज सर्कल अब ये करने के बाद आ, मैं क्या करूँगा दिखाऊंगा चेक करूँगा इसको हाँ चेंज हो रहा है इसको रिलोड कर देता हूँ ताकि म्यूजिक बचता ना रह जाए और सेम काम मैं करूँगा एल्स के अंदर बस मैं क्या करूँगा कि ऑडियो को पॉज कर दूंगा क्या देखो अगर ऑडियो चल रही है तब ऑडियो को पॉज करूँगा ठीक है डॉट रिमूव करूंगा मैं एफ ए इस बार और एड करूंगा प्ले ठीक है देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं रिलोड प्ले बजा रुक गया बजा रुक गया अब मैं चाहता हूँ कि सीख बार को मैं अपडेट करूँ तो यहाँ पर मैं अपडेट सीख बार करूंगा अच्छा एक चीज मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे कंसोल के अंदर क्या जब मैं इसको प्ले करता हूँ टाइम चेंज वाला जो इवेंट है टाइम अपडेट वाला जो इवेंट है वो यहाँ पर बिल्कुल भी फायर नहीं हो रहा है विच इज़ अ प्रॉब्लम माई प्रोग्रेस बार मैं इसको सेव किया मैं इसको प्ले करता हूँ अच्छा एक चीज़ और मुझे करनी है इसकी ओपेसिटी को वन करना है किसकी ओपेसिटी को वन करना है आ, ये जो मेरी गिफ्ट है इसकी ओपेसिटी को वन करना है तो मैं एक काम करता हूँ इसमें एक आईडी डाल देता हूँ और इसमें आईडी कौन सी डालूंगा गिफ्ट डाल देता हूँ आईडी ठीक है जल्दी से ये काम कर लेता हूँ पहले यहां पर गिफ्ट यहां पर गिफ्ट ठीक है और मैं यहां पर लिखूंगा गिफ्ट डॉट स्टाइल डॉट ओपेसिटी इज इक्वल टू वन और सेम चीज मैं क्या करूँगा जीरो कर दूंगा कहां पर यहां पर तो अब मैं अगर गाने को प्ले करूँगा या देखो यानी कि प्ले हो रहा है ये पॉज हो गया ठीक है यानी कि प्ले हो रहा है और पॉज हो रहा है शायद एक सेकंड मुझे ज़्यादा लग रहा है तो मैं एक काम करूँगा जो मैंने ट्रांजिशन डाला हुआ है मैं उस ट्रांजिशन को कम करके जीरो पॉइंट एट कर दूँगा ठीक है जीरो पॉइंट एट सेकेंड कर दूँगा ये थोड़ा ठीक लग रहा है मुझे जब ये आ गया मुझे इनफैक्ट ज़ीरो पॉइंट एट भी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है मैं जीरो पॉइंट फोर कर दूंगा इसको बस एक ट्रांजिशन आना चाहिए एकदम से गायब नहीं होना चाहिए देखो आप सही लग रहा है देख रहे हो आप देख रहे हो ये देखो ये कुछ इस तरह से देखो ये आ रहा है गायब हो रहा है आ रहा है गायब हो रहा है बढ़िया बट ये टाइम अपडेट मेरा काम क्यों नहीं कर रहा है ये मुझे देखना पड़ेगा तो माय प्रोग्रेस बार में मैंने इवेंट लिसन किया टाइम अपडेट ओके तो मैंने गलत जगह पर टाइम अपडेट को लिसन किया मुझे ऑडियो में टाइम अपडेट को लिसन करना है ऑडियो एलिमेंट में मुझे टाइम अपडेट को लिसन करना है अभी ये देखो टाइम अपडेट मेरा ये देखो टाइम अपडेट मेरा भी चल रहा है ये एक ऑडियो का इवेंट है ये कोई प्रोग्रेस बार का इवेंट नहीं है ठीक है अब मैं यहाँ पर सीख बार को अपडेट करूँगा यहाँ पर थोड़ी सी मैथमेटिक्स है ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ ठीक है मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा मैं कहूँगा प्रोग्रेस इज इक्वल टू ये जो भी हमारी प्रोग्रेस हुई है वो मैं निकाल रहा हूँ परसेंटेज में यानी कि कितना परसेंट हमारी चल चुकी है जो ऑडियो है वो मैं पार्सेंट डूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इंटीजर में चाहिए ये ठीक है तो मैंने यहाँ पर पार्सेंट किया ऑडियो एलिमेंट डॉट करंट टाइम मुझे क्या देगा कि जो अभी करंट टाइम चल रहा है यानी कि जहाँ पर प्ले हो रहा है हमारा गाना और ऑडियो एलिमेंट डॉट जो इसकी ड्यूरेशन होती है आई थिंक ड्यूरेशन होती है इफ एम नॉट हैंग देखते हैं कि ये काम करेगा कि नहीं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ड्यूरेशन होती है करंट ड्यूरेशन नहीं ड्यूरेशन होती है हाँ मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड ये करने से आएगा मेरे पास कितना परसेंट ये चल चुका है ठीक है और ये मैं करूँगा और मैं यहाँ पर डॉट लॉक कर दूँगा प्रोग्रेस को सिर्फ इतना करता हूँ भी ठीक है मैं प्ले करूँगा और देखूंगा कितनी प्रोग्रेस हो गई है प्ले ये ज़ीरो ही आ रहा है अब वन आया अब टू आया तीन परसेंट हो गया चार पाँच ठीक है बढ़िया अब मैं क्या करूँगा जो मेरा प्रोग्रेस बार है माई प्रोग्रेस बार डॉट वैल्यू इज इक्वल टू मैं क्या करूँगा जो प्रोग्रेस है वो कर दूंगा प्रॉपनिंग प्रोग्रेस ठीक है इससे क्या होगा कि जो प्रोग्रेस है वो सेट हो जाएगी और ये करने के बाद मैं क्या करूंगा कि uh, जो मेरा माई प्रोग्रेस बार की इनिशियल प्रोग्रेस है कहाँ गया मेरा प्रोग्रेस बार उसकी जो वैल्यू है इनिशियल वैल्यू उसको मैं ज़ीरो कर दूंगा ठीक है वैल्यू इज इक्वल टू तो ज़ीरो ठीक है सेव करूंगा प्ले करूंगा तो देखो तो तो ये अपडेट हो रहा है आगे बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है ठीक है तो ये इस तरह से ऐसे ऐसे करके बढ़ता जाएगा और गाना देख रहे हो आप लोग देख रहे हो अब क्या होगा कि अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा कुछ भी नहीं हो रहा है आगे बढ़ा रहा हूँ तो ठीक है तो मुझे क्या करना है मुझे यहाँ पर अब कुछ ऐसा करना है कि अगर चेंज होता है ये प्रोग्रेस बार तब तो मुझे ऑडियो को भी चेंज करना है ठीक है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा हैंडल प्ले प्लॉ पॉज क्लिक कर दिया लिसन टू तो इवेंट्स ठीक है तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर इसको टाइम अपडेट को मैं हटा देता हूँ और ये जो प्रोग्रेस है इसको भी हटा देता हूँ ठीक है मैं यहाँ पर क्या करूँगा जो मेरा प्रोग्रेस बार है इसमें एक चेंज इवेंट लगाऊंगा और जैसे ही चेंज हुआ ये ठीक है मैं क्या करूँगा कि जब ये चेंज होगा मेरा प्रोग्रेस बार तब मैं ऑडियो को भी वहीं पर सीक कर दूंगा और ऑडियो को सीख मैं कैसे करूँगा ऑडियो एलिमेंट डॉट करंट टाइम उप्स करंट टाइम करंट टाइम इज इक्वल टू जो भी वैल्यू है माई प्रोग्रेस बार की बट एक मिनट ये ये गलत हो जाएगा क्योंकि जो वैल्यू है वो परसेंटेज में ये परसेंट वैल्यू है कहाँ पर है हमारा जो जो हमारा सॉन्ग है वो कहाँ पर है कितना परसेंट प्ले हो चुका है मुझे परसेंट को ड्यूरेशन में चेंज करना है वो मैं कैसे करूँगा जैसे मैंने यहाँ पर डिवाइडेड बाय करा था मुझे फॉर्मूला बनाना होगा ऑडियो एलिमेंट डॉट करंट टाइम डिवाइडेड बाय ड्यूरेशन इन टू हंड्रेड इज इक्वल टू परसेंटेज तो करंट टाइम निकालने के लिए मुझे करना पड़ेगा परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय ड्यूरेशन डिवाइडेड बाय हंड्रेड ठीक है समझ रहे हो आप लोग सिंपल सी मैथ्स है यार ये 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 एल एच एस पे रखो मेरे पास पेन नहीं है अभी वरना मैं बता देता हटाओ यार मैं बता ही देता हूँ यार ये चीज़ जो है प्रॉब्लम क्रिएट करेगी बाद में वाइट uh, बोर्ड मेरे पास इंस्टॉल नहीं है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा इस वाइट बोर्ड में मैं आप लोगों को बताता हूँ तो जो हमारा करंट टाइम डिवाइडेड बाई ड्यूरेशन है यानी कि अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ सी टी डिवाइडेड बाई डी जो करंट टाइम डिवाइडेड बाई ड्यूरेशन है और मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड वो हमारा क्या है परसेंटेज है ठीक है उसको मैं पी कह देता हूँ तो मुझे करंट टाइम अगर निकालना है तो वो कितना हो जाएगा सी टी इज़ इक्वल टू हो जाएगा पी डी डिवाइडेड बाय हंड्रेड ठीक है पी डी डिवाइडेड बाई हंड्रेड ठीक है ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा पी क्या है मेरा परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय डी क्या है मेरा ड्यूरेशन अपॉन हंड्रेड तो वही किया मैंने ये परसेंटेज है मल्टीप्लाई बाई ड्यूरेशन डॉट डॉट ड्यूरेशन डिवाइडेड बाई हंड्रेड ठीक है सिंपल सा काम मुझे कर देना है अब मैं देखता हूँ ये काम भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है मैं रिलोड करूँगा प्ले किया बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया in... बहुत बढ़िया यार मज़ा आ गया यार इस पॉइंट पर मज़ा आ गया इस पॉइंट पर तो इतना मज़ा आ गया कि यार मन कर रहा है कि क्या बताऊं क्या क्या मन कर रहा है बता ही नहीं सकता ठीक है तो बढ़िया बन गई यार हमारी स्पॉटिफाई ऐप ठीक है और अब हमें क्या करना है कि ये जो गाने हैं इनको चेंज करना है सबसे पहले तो और ये जो बटन्स है मैं चाहता हूँ कि ये भी चेंज हो ठीक है यह काम करता हूँ इनको मैं रहने देता हूँ अभी के लिए यहाँ पर मैं अगर ये जो हमारी गिफ्ट है इसको हम चाहते तो हैं यहाँ पर भी प्ले कर सकते हैं जो भी गाना बज रहा है वो यहाँ पर इस तरह से प्ले होना शुरू हो जाएगा और जो भी गाना आप प्ले करना चाहो यहाँ से प्ले कर पाओ ये भी हम करना चाहेंगे मुझे नहीं पता मैं आगे क्या करने वाला हूँ बस मैं यहाँ पर आपके साथ जो है बताता हूँ क्या करूँगा मैं ठीक है तो यहाँ पर देखो सॉन्ग्स हैं ये सॉन्ग इंडेक्स है मैं चाहता हूँ अगर हम प्रीवियस पर क्लिक करें तब क्या हो कि प्रीवियस वाला सॉन्ग स्टार्ट हो जाए वरना नेक्स्ट वाला सॉन्ग अगर नेक्स्ट पर क्लिक किया गया तो स्टार्ट हो जाए ठीक है तो प्रीवियस का क्लिक भी हैंडल करना नेक्स्ट का क्लिक भी हैंडल करना एक काम करता हूँ वन टू थ्री फोर करके जो है कुछ गाने यहाँ पर ले आता हूँ तो मैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स यहाँ पर लिख देता हूँ और इनफैक्ट सिक्स नहीं यहाँ पर कुल नौ गाने हैं तो मुझे यहाँ पर सेवन भी लिखना होगा एट भी लिखना होगा नाइन भी लिखना होगा और यहाँ पर सिर्फ नौ गाने हैं ठीक है तो ये यहाँ पर टू हो जाएगा यहाँ पर थ्री हो जाएगा यहाँ पर फोर देन फाइव दैन सिक्स देन सेवन देन एट और इसके बाद नाइन ठीक है तो ये एक वन से लेके नाइन हो गया ठीक है तो ये सारे कवर्स मैं रखूंगा कवर्स फोल्डर के अंदर सॉन्ग्स फोल्डर के अंदर मैं सॉन्ग्स रखूँगा ठीक है सॉन्ग्स कर लेता हूँ फोल्डर को ठीक है सॉन्ग्स फोल्डर के अंदर सॉन्ग्स रखूँगा और इन सॉन्ग्स का नाम भी जो है मैं यहाँ पर रख दूंगा कुछ कुछ ठीक है तो मैं जल्दी से कुछ गाने डाउनलोड कर लेता हूँ आप लोगों को मैं दिखाता हूँ तो यार अभी बैठकर मैंने क्या किया कि पाँच एम पी थ्री सॉन्ग्स और नौ कवर्स यहाँ पर मैंने डाउनलोड किए अब मैंने नौ एम पी थ्री सॉन्ग्स डाउनलोड नहीं किया आप लोग जितने मन चाक कर देना और एक बात भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के एंड होने से पहले पहले बट अभी के लिए पाँच मैंने सॉन्ग्स डाउनलोड कर लिए ठीक है थीके? और मैंने उनका नाम भी यहाँ पर लिख दिया है और ये जो हमारे सॉन्ग्स हैं बाकी के छः सात आठ और नौ वाले इनके लिए मैं क्या करूँगा इनमें सब में मैं वन डॉट एम पी थ्री बजाऊँगा और टू डॉट एम पी थ्री बजा लेता हूँ और कवर इनके जो है मैं वैसे ही दिखाने वाला हूँ और इनके टाइटल्स को मैं आ, थोड़ा बहुत रैंडम डाल देता हूँ ठीक है लेकिन ये जो सॉन्ग्स हैं सारे सही हैं यही वाला सॉन्ग मैंने वन डॉट एम पी थ्री के अंदर डाला है ठीक है मैं यहाँ पर रैंडम कुछ भी लिख रहा हूँ ठीक है भुला देना ठीक है और यहाँ पर आ, तुम्हारी कसम मुझे पता है ये सलामी इश्क के गाने नहीं है बट मैंने डाल दिए रैंडमली ठीक है तो हमारी वेबसाइट अभी ऐसी दिख रही है मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ये सारे के सारे टाइटल्स आएँ उसी के साथ साथ यहाँ पर इनकी ड्यूरेशन आए और यहाँ पर क्या आए कि मैं प्ले करूँ तो ये सारे के सारे गाने प्ले हो जाएँ ठीक है तो मुझे कुछ ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा कि यहाँ पर इनके कवर्स यहाँ पर इनके नाम ये सब आना शुरू हो जाएँ ठीक है तो ऐसा करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ ऐसा करने के लिए मैं इंडेक्स और एच डी एम एल के अंदर देखो दो दो चीज़ें मैं कर सकता हूँ एक तो मैं ये कर सकता हूँ कि इस सॉन्ग्स अरे को मैं क्या करूँगा कि जवाब स्क्रिप्ट से आइट्रेट करूँगा जो सॉन्ग नेम है वो यहाँ पर फिट करूँगा और प्रोग्रामेटिकली uh, सब कुछ करूँगा ठीक है तो जो सॉन्ग आइटम वाली क्लास है इसके अंदर जो इमेज uh, है ठीक है इसके अंदर का जो एस आर सी है वो मैं चेंज करूँगा और उसी के साथ साथ इसके अंदर जो स्पैन है uh, मैं उस स्पैन को एक क्लास देना चाहूँगा तो मैं काम करता हूँ कि जो जो जहाँ जहाँ मेरा स्पैन लेट मी लिखा हुआ है चेंज ऑल एंसेस कर देता हूँ कहीं और तो नहीं लिखा है लेट मी लव यू नहीं लिखा है वहाँ पर मैं क्या करूँगा एक क्लास दे दूँगा ठीक है और क्लास में दूँगा सॉन्ग नेम ठीक है सॉन्ग नेम नाम की क्लास दे दी अब देखो मैं प्रोग्रामेटिकली क्या करूँगा प्रोग्रामेटिकली मैं क्या करूँगा मैं लिखूँगा सॉन्ग्स डॉट फॉर ईच ठीक है और फॉर ईच लेता है एक कॉल बैक फंक्शन ठीक है और यहाँ पर ये लेगा एलिमेंट मैं क्या करूँगा कि जितने भी ये सॉन्ग्स हैं उससे भी पहले मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर लिखूँगा लेट song आइटम्स इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई क्लास्ट नेम और यहाँ पर मैं लिख दूँगा सॉन्ग आइटम ठीक है तो जितने भी सॉन्ग आइटम्स हैं ठीक है थीके? जितने भी सॉन्ग आइटम्स हैं मैं सॉन्ग्स डॉट फॉर इच नहीं करूँगा सोंग आइटम्स डॉट फॉरिच करूँगा जितने भी सॉन्ग आइटम्स हैं मैं उनके लिए क्या करूँगा कि उनके अंदर का जो आई है ठीक है मैं यहाँ पर लिखूँगा एलिमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई टैग नेम गेट एलिमेंट बाई टैग नेम ठीक है और uh, ये करने के बाद मैं क्या करूँगा गेट एलिमेंट्स by टैग नेम करता हूँ या फिर एक काम करूँगा मैं इन सबको क्लासेस दे दूँगा सबके पास तो क्लासेस हैं ही uh, डॉट गेट एलिमेंट्स बाई टैगनेम क्या गेट एलिमेंट्स बाई टैगनेम कुछ होता है आ, होता है गेट एलिमेंट भी होता है शायद गेट एलिमेंट्स होता है हाँ ठीक है बाई टैगनेम सारे हमें एलिमेंट्स मिल जाते हैं या फिर मैं क्वेरी सेलेक्टर भी यूज कर सकता था बट ठीक है ठीक है मैं आई एम जी का जो जीरो थे वो ले लूंगा यानी कि ये जो आई एम जी है डॉट एस आर सी इज ईक्ल टू मैं क्या करूंगा मैं डॉट एस आर सी इज इक्वल टू कर दूँगा सॉन्ग्स और मैं लिखूंगा यहाँ पर आई आई मैं भी आपको बताता हूँ क्या है डॉट सॉन्ग नेम ठीक है सॉन्ग नेम नहीं सॉन्ग डॉट फाइल पाथ ठीक है मैं कुछ इस तरह से कर दूंगा और ये मैं जैसे ही करूँगा मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर इससे भी पहले मैं एक चीज़ और करूंगा कंसोल डॉट लॉग एलिमेंट और आई ठीक है मैं यहाँ पर एलिमेंट कॉमा लगाकर आई ठीक है अब आप देखो यहाँ पर क्या होगा जो मेरा कंसोल है उसके अंदर कह रहा है सॉन्ग आइटम्स डॉट फॉर इच इज़ नॉट अ फंक्शन तो मुझे एरे डॉट फ्रॉम करना पड़ेगा एरे डॉट फ्रॉम क्योंकि एक एच डी एम एल कलेक्शन है ठीक है तो मैं इस 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 पर फॉर ईच नहीं लगा सकता ठीक है तो यहाँ पर देखो ये सारे के सारे आइटम्स आ गए मेरे और इंडेक्स आ गई है आइटम आ गया ये इंडेक्स आ गई और ये कह रहा है कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज़ ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग फाइल पाथ ये मैं देखता हूँ क्या क्या हो रहा है ठीक है तो इंडेक्स ज़ीरो है ओके तो मुझे यहाँ पर आई एम जी ज़ीरो डॉट एस आर सी सोंग्स आई ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ठीक है नौ है वो भी शायद नौ ही है तो मुझे ये चीज़ देखनी पड़ेगी फाइल पाथ सॉन्ग्स आई डॉट फाइल पाथ यानी कि इसका फाइल पाथ आ, मैं देखता हूँ यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है नाइन्थ वाले का मैं यहाँ पर बस ये देखना चाहता हूँ कि इसमें एक एक्स्ट्रा तो नहीं है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ओके तो ये दस है बट सॉन्ग्स हमारे नौ हैं तो मुझे इसको भी दस करना पड़ेगा ठीक है कोई बात नहीं इसको भी आ, मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ ना जाना कर देता हूँ इसको ठीक है ना जाना तो यहाँ पर सॉन्ग्स फोर डॉट एम पी थ्री कर देता हूँ मैं ठीक है और ये करने के बाद अभी यहाँ पर कोई एरर नहीं आना चाहिए वन डॉट एम थ्री इज़ नॉट फाउंड ये ऐसा क्यों बोल रहा है वन डॉट एम थ्री इज़ नॉट फाउंड ओके तो मैंने सब कुछ सॉन्ग्स के अंदर डाल दिया एक्चुअली तो इसलिए एरर आ रहा है तो जो बाय डिफ़ॉल्ट वन डॉट एम थ्री था उसको मुझे करना पड़ेगा सॉन्ग स्लैश वन डॉट एम थ्री तो ये भी मैं कर लेता हूँ सॉन्ग स्लैश वन डोट एम थ्री ठीक है तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा कि पहला वाला गाना बचेगा ठीक है अभी मैं इसको रिलोड करूँगा तो यहाँ पर Open Image जी न्यू टाइप करता हूँ स्लैश Songs, ओके okay, तो यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई फाइल Path नहीं करना है मुझे कवर Path करना है जो इमेज का एस आर सी है वो मैं कवर पात करके दूंगा ठीक है कवर पात करके दूंगा और ये करने के बाद मैं क्या करूँगा कि इसके अंदर जो स्पैन है इसके अंदर जो आ, इसके अंदर जो सॉन्ग नेम है उसके अंदर मैं सॉन्ग का नाम डालूंगा ठीक है तो मैं यहाँ पर यूज करूँगा गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम ठीक है गेट एलिमेंट्स बाई क्लास नेम और मैं यूज करूंगा स्पैन और पहले स्पेन का जो इनर टेक्स्ट होगा उसको मैं इक्वल टू कर दूंगा सॉन्ग uh, नेम के ठीक है सॉन्ग साइड और सॉन्ग नेम के तो क्या होगा कि यहां पर सारे कवर्स तो आ गए या ये क्या हो गया कैन नॉट सेट प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड तो यार ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि जो क्लास नेम है वो स्पेन नहीं है क्लास नेम मैंने सॉन्ग नेम डाला है ठीक है सॉन्ग नेम मैंने डाला है क्लास नेम तो इसलिए ये यहाँ पर आप लोग देखो कि अब सब कुछ सही हो गया टेन डॉट जे नहीं है कवर में तो मैं टेन डॉट जे भी यहाँ पर ला देता हूँ जो कवर वन है इसको मैं रिनेम करूँगा टेन और डाल दूंगा कवर्स में ठीक है और अब मैं क्या करूँगा कि इसको डिलोड करूँगा अब एरर नहीं आना चाहिए कवर वन डॉट जे पी आ रहा है एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि कवर वन डॉट जे नहीं रहा अब ठीक है तो मैं क्या करूँगा चेंज वाला करेंसेस करूँगा और यहाँ पर लिखूँगा कवर स्लैश टेन डॉट जे पी जी इनकी बाई डिफ़ॉल्ट जो एस आर सी है मैं एस आर सी को हटा भी सकता हूँ एंड मैं एस आर सी को हटा भी तो सकता हूँ क्योंकि मैं जवाब से सेट कर तो रहा हूँ एस आर सी को तो मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है एस आर सी को लेने की ठीक है मुझे एस आर सी लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है अब यहाँ पर देखो यार कुछ गाने बहुत ज़्यादा बड़े हो जा रहे हैं ठीक है तो मैं इनको थोड़ा सा छोटा करूँगा और यहाँ पर एन सी एस रली सलाम श रब्बा सलाम इश्क सीलियो ये तो ये गाना थोड़ा लंबा हो गया जान जी हीरोज़ वाला ठीक है वैसे तो आप ट्रिम कर सकते हो जावास्क्रिप्ट की सहायता से लेकिन मैं क्या करता हूँ ना इसको छोटा ही कर देता हूँ इसके नाम को ना थोड़ा छोटा ही कर देता हूँ इतने बड़े बड़े नाम गानों के ठीक नहीं है तो ये जो सलाम इश्क लिखा हुआ है यहाँ से लेके मैं यहाँ तक यहाँ तक डिलीट कर देता हूँ ठीक है और इसको भी मैं यहाँ पर थोड़ा छोटा कर देता हूँ सारे गाने मैं थोड़े छोटे कर रहा हूँ ठीक है ये फ़ीचरिंग भी हटा देता हूँ ठीक है और बस इतना ही मैं रखता हूँ और अभी जो है ये सही सही आ गया है अभी बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी बढ़िया लग रहा है ये ठीक है तो आप लोग देखो यहाँ पर वैरियो मोटल्स ये 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 इनके कवर्स आ गए और यहाँ पर मैं लेकिन अगर मैं प्ले कर रहा हूँ तो सिर्फ एक ही गाना प्ले हो रहा है अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो ये गाने प्ले भी हो जाए ऑब्वियसली ड्यूरेशन भी गलत है ड्यूरेशन भी आप लोग यहाँ पर अपडेट कर सकते हो ठीक है तो यहाँ पर अभी के लिए मैं ड्यूरेशन को अपडेट नहीं करूँगा ठीक है आप लोग यहाँ पर देखो कवर्स आ गए हैं प्ले कर रहा हूँ तो यहाँ पर ठीक देखो मैंने साइड को म्यूट कर दिया है ताकि आप लोग ये एनिमेशन देख पाओ देखो यहाँ पर एनिमेशन जो है वो आ रहा है तो मैं इसको अभी पॉज कर देता हूँ ठीक है और इसको अनम्यूट कर देता हूँ अब मुझे क्या करना है कि जैसे ही यहाँ पर क्लिक हो वैसे ही सॉन्ग चेंज हो जाए ठीक है वैसे ही क्या हो सॉन्ग चेंज हो जाए और ये करने के लिए मैं क्या करूँगा कि इस पर क्लिक लिस्नर लगाऊंगा ये वाला जो ये वाला जो बटन है ठीक है इस पर एक क्लिक लिस्नर लगाऊंगा और यहाँ पर देखो ये जो क्लास है ये है स्पैन क्लास इज इक्वल टू टाइम स्टैम्प और यह है क्लास इज इक्वल टू एफ ए आर एफ ए प्ले सर्कल ठीक है तो ये सारे के सारे जो प्ले बटन्स हैं इन पर अगर कोई भी क्लिक करता है ठीक है और मैं एक काम करता हूँ सॉन्ग आइटम प्ले इनको एक क्लास देता हूँ इनको एक सॉन्ग आइटम प्ले क्लास देता हूँ और मैं यहाँ पर जल्दी से सबको एक सॉन्ग आइटम प्ले नाम की क्लास देता हूँ तो जहाँ जहाँ ये लिखा हुआ है मैं चेंज ऑल अकरेंसेस करूँगा और यहाँ पर सॉन्ग आइटम प्लेन को एक क्लास दूंगा ठीक है सॉन्ग आइटम प्ले मैंने इनको एक क्लास दे दी अब मैं जावा स्क्रिप्ट के अंदर क्या लिखूंगा कि आ, सारे के सारे ये जो सॉन्ग आइटम प्ले हैं डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम और ये जो सॉन्ग आइटम प्ले हैं इन पर एक डॉट फॉर ईच लगाओ सबसे पहले ठीक है और ईच लगाने के बाद एलिमेंट डॉट एड इवेंट लिस्टनर इन पर अगर क्लिक होता है इन पर अगर क्लिक होता है तब क्या करना है आ, इन पर क्लिक लेसन लगाना है मैंने यहाँ पर एरे डॉट फ्राम लिखना पड़ेगा मुझे एरे डॉट फ्रॉम ठीक है एरे डॉट फ्राम मैंने यहाँ पर लिख दिया एलिमेंट डॉट एडिमेंट लेस्टन क्लिक अगर इन पर कोई भी क्लिक करता है तो हम चलाएंगे एक कॉल बैक फंक्शन जो कि कुछ इस तरह का दिखेगा और ये यहाँ पर बंद होगा इस तरह से अगर इन पर कोई भी क्लिक करता है तब मैं क्या करूँगा सबसे पहले तो Uh, मैं कंसोल डॉट लॉग ई करता हूँ कंसोल डॉट लॉग ई करता हूँ ई e क्या है जिस पर क्लिक हुआ ठीक है तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी कंसोल खोलकर दिखाता हूँ कंसोल में एलिमेंट इज नॉट डिफाइंड एक मिनट एलिमेंट इज नॉट डिफाइंड ओके एलिमेंट और अब यहाँ पर नहीं आना चाहिए वो एरर और यहाँ पर ये यह जो मैं कंसोल डॉट लॉग कर रहा था उसको मैं हटा देता हूँ ऊपर तो यहां पर मैंने ये किया ना कंसोल डॉट लॉग एलिमेंट आई इसको मैं हटा देता हूँ और अभी देखो एकदम क्लियर हो गया अब मैं इस पर क्लिक करूंगा देखो ये पॉइंटर इवेंट आ गया अब मुझे क्या करना पड़ेगा मुझे डॉट एस आर सी करना पड़ेगा ई डॉट एस आर सी को ई डॉट टारगेट सॉरी नॉट एस आर सी ई डॉट टारगेट ठीक है ई डॉट टारगेट से मुझे वो एलिमेंट मिल जाएगा जिस पर क्लिक हुआ है मैं इसके अंदर लिखूंगा डॉट जो ई डॉट टारगेट है मैं लिखूंगा ई डॉट टारगेट डॉट क्लासलिस्ट डॉट रिमूव इसकी जो ये वाली क्लास लिस्ट है इसको मैं रिमूव करूंगा एफ ए प्ले सर्कल को रिमूव करूंगा ठीक है मैं इसको एडिट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ कर पा रहा हूँ ठीक है मैं इसको यहाँ पर रिमूव करूँगा और इसमें क्या करूँगा इसमें मैं पॉज सर्कल लगा दूँगा ठीक है बट इससे भी पहले मैं क्या करूँगा सारे के सारे जो आ, जो हमारे आ, ये हैं सॉन्ग आइटम प्ले हैं उनकी जो क्लासेस हैं उनमें मैं आ, उनकी जो क्लास है उसको मैं प्लेस सर्कल कर दूंगा ठीक है और यहाँ पर मैं ऐड करूंगा रिमूव नहीं करूँगा ई डॉट टारगेट डॉट क्लासलेस डॉट एड और यहाँ पर ये तो मैंने कर दिया इससे भी पहले मैं यहाँ पर मेक ऑल प्लेस करके फंक्शन बनाऊँगा और मेक ऑल प्लेस फंक्शन क्या करेगा मेक ऑल प्लेस इज इक्वल टू एक फंक्शन तो ये फंक्शन सिंपली क्या करेगा कि जितने भी ये वाले बटन है हमारे ये वाले बटन जो है हमारे इनको पॉज़ सॉरी प्ले बना देगा ठीक है क्योंकि कोई ना कोई गाना पहले भी प्ले हो रहा होगा तो मैं ये काम भी जल्दी से कर देता हूँ तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि मैं क्लास लिस्ट डॉट ऐड ये जो चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी हुई है फॉर ईच एलिमेंट एलिमेंट डॉट क्लास ई डॉट आगे डी एलिमेंट डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड ये ठीक है तो यहाँ पर कोई भी क्लिक करता है अगर तो मैं इसको ये करूँगा और उसी के साथ साथ मैं क्या करूँगा ये वाला सॉन्ग भी प्ले करूंगा ठीक है तो ये चीज़ भी मैं करूँगा मैं एक काम करता हूँ इस पर अगर मैं क्लिक करूँगा देखो ये ऐसे बन गया इस पर क्लिक करूँगा तो देखो ये ऐसे बन गया बट एक प्रॉब्लम यहाँ पर जो मुझे देखने को मिली वो ये है कि ये वाला प्ले नहीं बना तो मुझे देखना पड़ेगा यहाँ पर क्या इशू है तो यहाँ पर मैंने मेक ऑल प्लेस को कॉल तो किया हुआ है जैसे ही कोई क्लिक करता है मेक ऑल प्लेस को मैंने कॉल किया है रे डॉट फ्रॉम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाई क्लास नेम सॉन्ग आइटम प्ले Uh, इसके सारे एलिमेंट्स में मैं क्लास लिस्ट ओ मैं पॉज ऐड कर रहा हूँ सॉरी मुझे क्या करना पड़ेगा प्ले ऐड करना होगा और मुझे रिमूव करनी होगी क्लास पॉज वाली ठीक है तो ये मैंने गलती कर दी पॉज़ वाली सेव किया मैंने अभी रिलोड करता हूँ और देखता हूँ यहाँ पर ओप्स यहाँ पर कह रहा है इज़ नॉट डिफाइंड वट इज़ रॉन्ग एलिमेंट डॉट ठीक है अभी मैं देखता हूँ ये 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 बिल्कुल सही चल रहा है अभी देखो ये बिल्कुल सही चल रहा है अब मैं ये भी चाहता हूँ कि जब मैं क्लिक कर रहा हूँ इस पर तो यहाँ पर होना क्या चाहिए कि वो गाना प्ले हो जाए जिस पर मैंने क्लिक किया है ठीक है अब मैं इस पर अगर क्लिक कर रहा हूँ तो गाना प्ले हो जाना चाहिए ठीक है इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये प्ले हो जाना चाहिए इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये प्ले हो जाना चाहिए ठीक है तो यहाँ से मैं जो है गाने को चेंज कर सकता हूँ ठीक है जो गाना मैं सुनना चाहता हूँ वो मैं सुन सकता हूँ तो ये करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा मुझे यहाँ पर जो ऑडियो एलिमेंट है उसको मुझे चेंज करना पड़ेगा ठीक है तो मैं लिखूंगा ऑडियो एलिमेंट इज इक्वल टू जो भी गाना जिस पर भी क्लिक हुआ है लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि ये जो हमारा जिस पर क्लिक किया गया है वो कौन सा वाला सॉन्ग है फर्स्ट सॉन्ग है सेकंड सॉन्ग है थर्ड सॉन्ग है ये भी मुझे देखना पड़ेगा एक बार किसी ने क्लिक किया तो मैं यहाँ पर लिखूंगा ऑडियो एलिमेंट डॉट एस आर सी इज इक्वल टू सॉन्ग स्लैश और यहाँ पर जो भी सॉन्ग होगा डॉट एम पी थ्री अभी के लिए मैं इस चीज़ को हार्ड कोड कर देता हूँ थ्री डॉट एम पी थ्री कर दूँगा और जैसे ही मैं इसको चेंज करूँगा मैं यहाँ पर क्या करूँगा लिखूँगा ऑडियो एलिमेंट डॉट प्ले ठीक है और उसी के साथ साथ मैं एक चीज़ और करना चाहूँगा कि जो करंट टाइम है ऑडियो एलिमेंट का उसको मैं ज़ीरो कर दूँगा क्योंकि यार सॉन्ग चेंज हुआ है ऑडियो एलिमेंट डॉट करंट टाइम इज इक्वल टू जीरो और ऑडियो एलिमेंट डॉट प्ले ठीक है तो ये करके देखता हूँ मान लो मेरा ये वाला गाना बज रहा है ठीक है अब मैंने यहां क्लिक कर दिया देखो देख रहे हो आप लोग देखो ये बढ़ रहा है तो यार सब कुछ हो गया बस मुझे एक चीज आइडेंटिफाई करनी है कि कौन सा गाना यहां पर बज रहा है ठीक है और उसी के साथ साथ मुझे एक चीज और करनी है ये देखना है कौन सा गाना बज रहा है और Uh, ये करने के लिए मैं सिंपली क्या करूँगा कि यहाँ पर जो आई मैंने लिखा हुआ है जहाँ पर क्लास इज इक्वल टू ये है मैं चेंज वाला अफ्रेंसेस करूँगा और इसमें एक आई डाल दूंगा ठीक है और मैं आई डी इज इक्वल टू लिखूँगा क्या मैं आई डी इज इक्वल टू सिंपली लिखूँगा गाने का इंडेक्स ठीक है तो ये वन होगा ये टू होगा ये थ्री होगा ये फोर होगा ये फाइव होगा ये सिक्स होगा ठीक है इनफैक्ट ज़ीरो से स्टार्ट करता हूँ गाने की इंडेक्स में लिख देता हूँ ज़ीरो वन टू थ्री फोर ऑल द वेटर टेन मुझे ये काम करना पड़ेगा तो फाइव लिखूंगा सिक्स लिखूंगा सेवन लिखूंगा मैंने सेवन लिख दिया गलती से मुझे ऊपर सिक्स लिखना चाहिए था सिक्स लिखूंगा ठीक है और फिर बाद में मैं पार सेंट कर लूंगा इसको आठ और नौ जीरो से लेकर नौ तक इंडेक्स जाएगी ठीक है अब मैं क्या करूंगा मैं कहूंगा इस वाले आई में यानी कि ये जो ई डॉट टारगेट है उसकी जो आई है ठीक है मैं यहाँ पर लिखूंगा इंडेक्स इज इक्वल टू ई डॉट टारगेट डॉट आई को पार कर लो ठीक है इसकी आईडी डी को पारसेंट कर लो ठीक है सिंपल सी बात है इंडेक्स भी आ गई हमारे पास अब मैं क्या करूंगा इज इक्वल टू करंट टाइम जीरो है और यहां पर मैं क्या करूंगा कि जो सॉन्ग है उसको अपडेट कर दूंगा कुछ इस तरह से मैं लिखूंगा यहां पर इंडेक्स डॉलर इंडेक्स डॉट एमपी ठीक है ये मैं करूंगा ऑडियो एलिमेंट डॉट करंट टाइम इज इक्वल टू जीरो करूंगा ऑडियो एलिमेंट डॉट प्ले करूंगा और मास्टर प्ले जो है उसमें भी एक काम करना पड़ेगा पता है क्या करना पड़ेगा जो मास्टर प्ले है उसमें से मुझे पॉज को रिमूव करके यानी कि उसको रोकना पड़ेगा जो हमारा करंट एलिमेंट हमारी ऑडियो है वो रुक चुकी है ठीक है करंट करंट टाइम इज इक्वल टू जीरो हो चुका है आ, मैंने उल्टा कर दिया शायद रिमूव करूँगा पॉज ऐड करूँगा प्ले नहीं उल्टा करना था प्ले और ऐड करूँगा पॉज क्योंकि अभी गाना प्ले हो रहा है तो मुझे ये करना पड़ेगा अब देखते हैं यहाँ पर हाँ अभी बज रहा है गाना देख रहे हो गाना गलत बज रहा है मुझे ये चीज देखनी पड़ेगी गाना गलत क्यों बज रहा है तो सॉन्ग स्लैश इंडेक्स डॉट एमपी थ्री ओके तो मुझे इंडेक्स प्लस वन डॉट एमपी थ्री करना पड़ेगा इंडेक्स प्लस वन डॉट एमपी थ्री करना पड़ेगा तब गाना सही बजेगा ठीक है तो यहां पर देखो सही बज रहा है बिल्कुल सही बज रहा है गाना बिल्कुल सही बिल्कुल सही बज रहा है ठीक है बिल्कुल सही बज रहा है आ जा 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 जा। अब यार प्रीवियस और नेक्स्ट बटन को भी हमें काम करवाना है और प्रीवियस पर अगर कोई क्लिक करे तो मैं ये चाहूंगा कि जो सॉन्ग इंडेक्स करंट सॉन्ग इंडेक्स है जो बज रहा है अभी गाना तो मैं काम करता हूं मैं करंट सॉन्ग इंडेक्स को ही अपडेट कर देता हूं जो ग्लोबल वेरिएबल मैंने बनाया था सॉन्ग इंडेक्स मैं सॉन्ग इंडेक्स को ही अपडेट कर देता हूं यहां पर जब कोई भी क्लिक कर रहा है सॉन्ग इंडेक्स जो कि इनिशियली जीरो था वो सॉन्ग इंडेक्स अब क्या हो जाएगा ये हो जाएगा ठीक है तो जहां जहां इंडेक्स यूज हो रखा है वहां सॉन्ग इंडेक्स यूज करूंगा ठीक है और कोई भी इंसान अगर कोई भी इंसान अगर क्लिक करे प्रीवियस पर ठीक है तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ठीक है गेट एलिमेंट बाय आईडी प्रीवियस जो प्रीवियस आईडी है उस पर अगर कोई भी क्लिक करे तो ये फंक्शन रन करो क्या होना चाहिए एक तो सॉन्ग इंडेक्स स प्लस इक्वल्स टू वन ठीक है ठीक है और यहां पर ऐसे प्लस इक्वल टू वन नहीं हो जाएगा इफ सॉन्ग इंडेक्स इज लेस देना चाहिए सॉन्ग इंडेक्स इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए मैं ये नेक्स्ट के लिए कर रहा हूं एक्चुअली एल्स क्या होना चाहिए कि जो सॉन्ग इंडेक्स है प्लस इक्वल्स टू वन हो जाना चाहिए ठीक है तो ये चीज़ हो जानी चाहिए तो एफ सॉन्ग इंडेक्स इज देन नाइन तो जीरो कर दो वरना सॉन्ग इंडेक्स को प्लस इक्वल्स टू वन कर दो ठीक है अब क्या करो सिंपल से यही करो जो कि यहाँ पर किया गया है ठीक है हम क्या करेंगे कि कुछ इस तरह का काम करेंगे ठीक है कुछ इस तरह का काम करेंगे ये ये सारे के सारे जो करंट टाइम जीरो करेंगे प्ले करेंगे गाने को जो हमारा मास्टर प्ले है उसका हम प्ले क्लास रिमूव करेंगे पॉज क्लास उसमें ऐड करेंगे और उसी के साथ साथ यहाँ पर ऑडियो एलिमेंट को भी हम लोग सेट कर देंगे ठीक है तो ये चीज़ हमने कर दी सेम काम हम प्रीवियस के साथ भी करेंगे और यहाँ पर जो प्रीवियस के साथ करेंगे हम कहेंगे कि अगर ये लेस देन ज़ीरो है ठीक है सॉन्ग इंडेक्स इज़ लेस देन इक्वल टू जीरो सॉरी लेस देन इक्वल टू नहीं हाँ लेस देन ज़ीरो ठीक है लेस देन इक्वल टू जीरो होगा और यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू नाइन होगा ठीक है ग्रेटर देन इक्वल टू नाइन होगा नौ भी है अगर तो वो दस नहीं कर सकते हम हमें जीरो ही करेंगे सीधे तो लेस देन इक्वल टू जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू नाइन तो हम क्या करेंगे माइनस इक्व टू वन कर देंगे ठीक है और सेम काम करेंगे बाकी के बिल्कुल सही ठीक है देखते हैं काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं बट उससे भी पहले हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर प्रीवियस और नेक्स्ट की आई डी डालनी पड़ेगी तो आई डी इज इक्वल टू तो प्रीवियस और प्रीवियस की स्पेलिंग गलत हो गई आई डीजिकल टू नेक्स्ट ठीक है आई डीज इक्वल टू नेक्स्ट रिलोड करता हूं ठीक है प्ले करता हूं कोई भी गाना ये वाला करता हूं प्ले ये करता हूं नेक्स्ट सॉन्ग नेक्स्ट सॉन्ग नेक्स्ट सॉन्ग नेक्स्ट सॉन्ग कोई एरर आया है कोई एरर आया कंसोल में जरूर क्या आया है सिक्स ऑट एम पी थ्री नहीं है सेवन डॉट एम थ्री भी नहीं है तो एक काम करते हैं ना यार सॉन्ग्स के अंदर मैं कॉपी कर देता हूँ ठीक है सिंपली कॉपी कर देता हूँ सिक्स डॉट एम पी थ्री सेवन डॉट एम थ्री ठीक है सेवन डॉट एम थ्री नौ तक एम थ्री मैं कॉपी कर देता हूँ ठीक है एफ टू नौ हो गया आठ नहीं है तो इसको मैं कॉपी करके आठ कर देता हूँ देखो यार काफ़ी पेनफुल काम है ये आप अपने पसंद के सॉन्ग्स डाल देना इसके अंदर किसी भी अपने फेवरेट आर्टिस्ट की एल्बम डाल देना अभी के लिए मैं पहला सॉन्ग प्ले करूँगा नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा अगला 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 फिर से एरर है अब क्या एरर है देखता हूं. भी डालना ठीक है ठेके? तो टेन डॉट एम पी थ्री भी डालना पड़ेगा दस गाने हैं ना तो टेन डॉट एम पी थ्री भी डालना पड़ेगा अब देखता हूँ पहला प्ले किया नेक्स्ट 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 अगर मैं ये प्ले करता हूं तो प्रीवियस में ये बजना चाहिए करेक्ट एग्जैक्टली करेक्ट वर्क्स अच्छा एक चीज आप में से कई लोग बोलोगे कि यार ये एक बार प्ले कर दिया तो नेक्स्ट कर रहा हूं तो ये चीज यहां आ जानी चाहिए ठीक है तो हाँ आपकी बात सही है आनी चाहिए तो उसके लिए भी हम लॉजिक लिख देंगे ठीक है बट अभी के लिए मैं एक काम करता हूँ प्रीवियस और नेक्स्ट पर कोई भी इंसान अगर क्लिक कर रहा है तो इस चीज़ को मैं अभी अपडेट नहीं कर रहा हूँ आप लोग ऑब्वियसली लॉजिक लिख सकते हो यार इस चीज़ का मैं इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता मैं सिंपली क्या करना चाहता हूँ कि आप कोई भी गाना यहाँ से प्ले कर सको उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे एक चीज़ दिख रही है उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज़ मुझे दिख रही है जो ये लेट मी लव यू जस्टिन बीबर लिखा हुआ है और इसको मैं चेंज करूँगा इसको मैं गाने का जो सॉन्ग है वो यहाँ पर सेट करूँगा ठीक है तो ये तो हमने कर दिया कि भाई ऑडियो एलिमेंट डॉट एस आर सी टू कर दिया इज इक्वल टू सॉन्ग सॉन्ग स्लैश सॉन्ग इंडेक्स प्लस वन मुझे एक काम और करना है और वो ये है कि यहाँ पर जो मेरा सॉन्ग नेम है मैंने देखो इधर डाला हुआ है कहाँ गया प्लेइंग डॉट के साइड में मैं एक काम करता हूँ इसको सॉन्ग इनफो मैं एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक स्पैन डॉट सॉन्ग मास्टर सॉन्ग नेम ठीक है और इसमें मैं इसको खाली छोड़ देता हूँ अभी के लिए ठीक है बाय डिफ़ॉल्ट क्या करेंगे जो मास्टर सॉन्ग नेम है इसको आईडी देता हूँ क्लास में नहीं आईडी देता हूँ इसको बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग क्या करेंगे जो मास्टर सॉन्ग नेम है मैं यहाँ पर ऐसे करता हूँ मास्टर सॉन्ग नेम मास्टर सॉन्ग नेम उसकी इनर स्टीम्बल को हम लोग क्या डालेंगे ये डालेंगे पहला वाला गाना ठीक है बाई डिफ़ॉल्ट पहला वाला गाना ही हमारा सब कुछ सेट हो रखा है देखो वन डॉट एम थ्री तो हम क्या करेंगे इसके अंदर यही चीज डाल देते हैं बट अगर गाना चेंज होता है तो हम क्या करेंगे यानी कि किसी ने प्रीवियस पर क्लिक किया नेक्स्ट पर क्लिक किया या कुछ भी ऐसा किया तब हम लोग क्या करेंगे लिखेंगे मास्टर सॉन्ग नेम डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू क्या करेंगे हम लोग सिंपली ये जो हमारा सॉन्ग्स वाला एरे है जो कि हमने यहाँ ऊपर बनाया है सॉन्ग्स इसको सॉन्ग इंडेक्स करेंगे और फिर डॉट सॉन्ग नेम करेंगे ठीक है तो ये जो सॉन्ग्स है इसकी इंडेक्स हम लोग करेंगे सॉन्ग इंडेक्स डॉट सॉन्ग नेम ठीक है ये चीज़ हम लोग करेंगे तो मैं यहाँ पर मास्टर सॉन्ग नेम डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू ये चीज़ यहाँ भी करूँगा और ये चीज़ मैं यहाँ भी करूँगा उसी के साथ साथ अगर किसी भी इंसान ने क्लिक किया ठीक है यहाँ भी करूँगा ठीक है इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू सॉन्ग सॉन्ग इंडेक्स ठीक है सॉन्ग इंडेक्स कहाँ चेंज हो रही है यहाँ चेंज हो रही है तो मुझे सॉन्ग इंडेक्स की बात करना पड़ेगा इसको ठीक है यानी कि यहाँ करना पड़ेगा और क्या मुझे ये चीज़ करने की ज़रूरत है कहीं पर नहीं मुझे और कहीं ज़रूरत नहीं है ये चीज़ करने की अब देखता हूँ कि गाना बज रहा है कि नहीं अब मैं जैसे ये प्ले कर रहा हूँ से हुमा हुमा जी तो यहाँ चेंज हो गया है एक चीज़ और करनी पड़ेगी मुझे कि अगर प्ले हो रहा है अगर गाना प्ले हो रहा है तब मुझे यहाँ पर ये जो ओपेसिटी वाला ही जो एनिमेशन है वो मुझे यहाँ पर लगाना पड़ेगा अभी के लिए यहाँ पर जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तब आ रहा है ये ठीक है तो मैं ओपेसिटी को वन कर दूंगा ठीक है जब भी यहाँ पर क्लिक हो रहा है तो ठीक है ओके तो यहाँ पर जब क्लिक हो रहा है तब तो मैं ओपेसिटी को वन कर दूंगा किसकी ओपेसिटी को वन करूँगा गिफ्ट ऑट स्टाइल ऑड ओपेसिटी को वन कर दूंगा सिक्सटी सिक्स के राउंड लाइन नंबर था आ, हाँ यहाँ पर जब भी प्ले हो रहा है गाना प्ले जहाँ जहाँ हो रहा है गिफ्ट डॉट स्टाइल ऑट ओपैसिटी वन हो जाएगी तो अब मैं प्ले करूँगा यहाँ देता हूँ ये बज रहा है गाना यहाँ क्लिक कर रहा हूँ बजरा गाला पॉज कर सकता हूँ नेक्स्ट कर सकता हूँ प्रीवियस कर सकता हूँ ठीक है अब आपका कुछ होमवर्क है जो कि आपको खुद से करना है यार देखो सब कुछ मैं यहाँ पर नहीं करूँगा बैठ के कुछ चीज़ें आपको भी करनी है ठीक है आपको क्या करना है कि ये तो मैंने बना दिया है स्पॉटिफाई का क्लोन तो मैंने बना दिया यहाँ पर आपको करना क्या है कि अब देखो यहाँ पर कुछ बक्स है इसमें बक्स नहीं कहूँगा मैं इनहसमेंट्स भी कह सकता हूँ उसको अगर मैं ऐसे प्ले करता हूँ गाने को अब मैं इसको प्ले करता हूँ गाने को मैं ऐसे पॉज नहीं कर सकता मैं यहाँ पर वापस से क्लिक कर रहा हूँ तो पॉज नहीं कर सकता तो आपको ऐसा बनाना है कि मैं यहाँ पर भी क्लिक कर दूँ अगर तो ये गाना पॉज हो जाए या स्टॉप हो जाए ठीक है और मैं यहाँ यहाँ पर एक चीज़ और देखना चाहूँगा कि अगर मैं यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से मैं प्ले कर रहा हूँ गाना तो जो गाना प्ले हो रहा है उसका यहाँ पर पॉज आना चाहिए तो ये सारे काम आपको जावा स्क्रिप्ट लॉजिक से करने हैं अगर आपको लगता है आपका जावा स्क्रिप्ट वीक है आपको जावा स्क्रिप्ट में प्रॉब्लम है तो आप अपने जावास्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग बनाएँ पहले उसके बाद इस चीज़ पर आएँ ये तो एक चीज़ हो गई इन्हेंसमेंट्स और वो चीज़ें जो कि शायद आप लोग कर ही लोगे ठीक है ये तो वो चीज़ें हो गई बट कुछ ऐसी चीज़ें भी बताता हूँ जो कि आपको करने में ध्यान देना चाहिए वो है इसको रिस्पॉन्सिव बनाना वैसे तो यार ये या रिस्पॉन्सिव है कोई टेंशन नहीं है मैंने वी डब्लू वगैरह को यूज़ किया हुआ है जैसे कि मैं अगर आप लोगों को दिखाऊँ इसको पिक्सल टू में तो ये ऐसा दिख रहा है इसके फोन साइज़ को छोटा करके या इसके ओवरफ्लो को आप बचा कर ठीक कर सकते हो ठीक है बट अगैन इसमें थोड़ा बहुत और काम बाकी है जो कि दिख ही रहा है बहुत एविडेंट है कि इसमें काम बाकी है अभी ठीक है तो इस चीज़ को आपको छोटा करना है और इसको ऐसा बनाना है कि ये फोन में या तो स्क्रॉलेबल हो जाए या फिर फ़ोन में दिखे बेसिकली ठीक है उसी के साथ ही यहाँ पता है कोई जो गाना है इसके लिए आपको थोड़ी सी स्पेस देनी है ऊपर तो मीडिया क्वेरी आपको लिखनी है बाकी प्ले वगैरह हो रहा है कोई टेंशन नहीं है बस आपको इसको इन बटंस को थोड़ा नीचे शिफ्ट करना है मीडिया क्वेरी लगाकर और ये काम हो जाएगा ठीक है अगर आपको नहीं पता मीडिया क्वेरी क्या होती है मुझे पता है आपको मालूम होगा बट अगर किसी को नहीं पता मीडिया क्वेरी अगर किसी को नहीं पता क्या होती है तो यार मीडिया क्वेरी बहुत सिंपल सी चीज़ है मैं यहाँ पर दिखाता हूँ एक मीडिया क्वेरी लगाकर कर आपको यहाँ पर दिखाता हूँ मैं इस्टाइल और सी एस एस में मैं इसको हटा दूंगा बट मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ तो मैं ग्यारह सौ पिक्सल पर लगा रहा हूँ ठीक है और यहाँ पर मैं बैकग्राउंड को रेड कर रहा हूँ मैं बैकग्राउंड को रेड कर रहा हूँ जैसे ही हमारा ग्यारह सौ पिक्सल हिट होता है तो ठीक है तो यहाँ पर देखो मैं इसको रिस्पॉन्सिव बनाऊंगा और मैं इसको बड़ा करूंगा तो देखो जैसे ही ग्यारह सौ फिक्सल हिट होगा ये सी एस एस लगना स्टार्ट हो गई कौन सी वाली सी एस एस लगना स्टार्ट हो गई जो कि मीडिया क्वेरी के अंदर लिखी थी ठीक है तो ये देखो आप कर सकते हो ये चीज़ ठीक है आई होप कि समझ में आ गया आपको किस तरह से करना है ये यहाँ पर आई में तो सही चल रही है लेकिन आपको क्या करना है इसको फ़ोन में भी चलाना है आपको कुछ ऐसा करना है कि अगर ये इतनी भी छोटी हो जाए तब भी आपको फॉन्ट को छोटा करके या फिर मे बी आप कवर को हाइड कर दें कवर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कवर को इतना छोटा कर दें कि बाकी चीज़ों के लिए जगह बन जाए तो ये काम आपको करना है बाकी फंक्शनैलिटी वाइज सब कुछ चल रहा है कोई टेंशन वाली बात नहीं है प्रीवियस भी चल रहा है नेक्स्ट भी चल रहा है सब चल रहा है ठीक है और एक चीज़ और मैं बताता हूँ आपको सारे बक्स के बारे में बात ही कर रहे हैं तो ये भी बता देता कि आपको करना क्या है अगर आप लोग इस गाने को खत्म होता हुआ देखोगे तो खत्म होने के बाद अगला गाना खुद प्ले नहीं होगा तो ये भी आपको फिगर आउट करना है कौन से इवेंट को लिसन करके आपको अगला गाना प्ले करना है यानी कि सॉन्ग इंडेक्स को प्लस प्लस करना है आई होप कि डिजाइन वाइज फंक्शनैलिटी वाइज आइडिया वाइज ये क्लोन आपको बहुत बढ़िया लगा होगा जावा अगर आप लोगों को समझनी है तो आप जाए मेरे चैनल पर वहां पर जाने के बाद सिंपली आपको प्ले में जाना है और प्ले में जाने के बाद या फिर आप सर्च कर सकते हो जावास्क्रिप्ट मैंने एक जावास्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल का कोर्स भी बना रखा है वन वीडियो भी बना रखा है वो आप देख सकते हो और आई होप कि आपको मज़ा आया होगा इस पूरे क्लोन को बनाने में यहाँ पर मैंने फैव आइकॉन नहीं डाला है आप डाल लेना यार ठीक है ये सब चीज़ें छोटी छोटी हैं ये सब मैंने नहीं करी हैं अगर आपको चाहिए इसका एक पार्ट टू जिसमें मैं इसको बैकएंड के साथ इंटीग्रेट करके दिखाऊं, तब मुझे ज़रूर बताना क्योंकि मज़ा आएगा उसमें अगर हम जेंगो या मे बी नोट अगर हम एक्सटीडियन को यूज़ करके सारे सॉन्ग्स प्ले कर पाएं तो कितना बढ़िया हो तो यार इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा मजा आता है जब ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं तो आई होप कि आप लोग बहुत सारी चीज़ें खुद भी कर लोगे लेकिन अगर इसका पार्ट टू चाहिए आपको जिसमें मैं आपको इसको बैक एंड के साथ इंटीग्रेट करके दिखाऊंगा एक होम पेज बनाकर दिखाऊंगा जिसमें बहुत सारे कैटेगरीज होंगी फिर कोई भी एल्बम आप ओपन करते हो तो ये वाला पेज ओपन होगा इस तरह का कुछ चाहिए तो ज़रूर बताओ कमेंट में मैं ज़रूर लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए आ, मुझे ज़रूर बताना कि प्रोडक्शन क्वालिटी इस वीडियो की कैसी लगी मैं वापस आ चुका हूँ घर पे और बिल्कुल अच्छी तरह से मैं अच्छे सेटअप पे बना रहा हूँ वीडियो को आई होप कि आपको एक चेंज लगा होगा जब मैं ट्रैवल करता हूँ थोड़ी सी दिक्कत तो होती है यार प्रोडक्शन क्वालिटी हिल जाती है ऊपर से नीचे तक फ़ोन की ऑडियो वॉडियो सब बेकार हो जाती है बट अभी आई होप कि मज़ा आया होगा इस वीडियो को देखने के बाद अभी के लिए इस वीडियो में इतने गाइज थैंक यू सो मच गाइज वॉचिंग इस वीडियो एंड आई विल सी यू next time